मेरे को एडिटिंग करना आ गया, मेरा बेटी की बॉयफ्रेंड ने सिखा दिया। उस काम में तो आया ना। आप लोग की पापा को भी बोलो कुछ काम में आता है कभी कभी, सही है, अच्छा अच्छा हो तो हम भी जांचाई भी कर लेता हूँ ना साथ में, क्योंकि क्योंकि हम लोग का कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, बेटी बच्ची है, तो बेटी को हम देखूंगा नहीं करके छोड़ेगा तो उसका कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, बराबर ना? ठीक है, मेरे से ज्यादा दिमाग है, लेकिन हम कॉन्फिडेंस थोड़ा डाल देगा तो अच्छा है ना, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होएगा, होना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में रहने का। अच्छा, हम लोग कितना जन है? 9 जन है। कौन कौन है इसमें? द्वैति, आप क्यों हमेशा साइलेंट में रहता है? सर मेरा वेबकैम खराब है सर। ऐसा है? लेकिन उस दिन तो आप, उस दिन तो आपकी ड्राइंग बढ़िया दिखा रहा था यार। सर वो फोन से दिखा रहा था, अभी फोन चार्ज पे, थोड़ी देर में आता हूँ कैमरा पे। आइए, मजा आएगा, चेहरा देखने में मजा आता है ना अलग से। ठीक है सर। अच्छा, अभी तो दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ गया है सर। नहीं नहीं मेरा भी बढ़ गया था, बेटी ने बांध के काट दिया, आता नहीं है ठीक से, इधर उधर बाकी है थोड़ा। चलेगा, कौन सा शादी करने जाने वाला। अच्छा नेहा अग्रवाल, कमल आपको तो, आपको तो हेलो नहीं बोलेगा भी चलेगा, घर के ही हो गया ना जी सर। गुड इवनिंग की, गुड इवनिंग सर। तो एनीवे, नए जन लोग को थोड़ा रेस्पेक्ट कर देते हैं। नेहा बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका नाम है नेहा? ओह, नेहा अग्रवाल, दो नेहा है यहाँ पे। अच्छा, नमस्ते yes, नेहा जी। पंखुड़ी, 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 हाँ, आप क्या पढ़ती है? बीसीए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को अलग डिपार्टमेंट की लड़का लड़की लुक को ज्यादा पसंद है, क्यों मालूम है? अपना आर्ट की डिपार्टमेंट क्या आता है, इतना टेक्निकल लैंग्वेज बोलता ना, दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग टेक्निकल भूल के आ गया 30 साल पहले, क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है, गोरे लोग की दिमाग डालता है। अभी प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है इंडिया में? अभी प्रॉब्लम क्या होगा, लंदन में 20 साल पहले जो हुआ था या 10 साल पहले, बेसिकली जो बिजनेस मैनेजमेंट बहुत चल रहा है हैदराबाद में, हम सुन रहा हो, क्योंकि एक करो वो करो, कैसे कॉर्पोरेट को डील करने का, मतलब यहाँ की जो डस्टबिन वाला चीज है ना, इंडिया में फलन करेगा। अभी नया बच्चे लोग के साथ मत लीजिए, अपनी मम्मी पापा से जो सीखा है उसको रखिए। यहाँ की जो नया चाल है पूरा, आप लोग को फंसने मत दीजिए। सही बात कर रहा हो, काल जब सुन रहा था ना, मेरा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉर्पोरेट में ये करने का वो करने का, ये जो ब्रिटिश रूल है ना, उसको हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि जो परंपरा से, क्यों चाइनीज हम लोग को क्यों डरता है मालूम है? खुलम बोलूंगा, हम लोग का परंपरा को डरता है। इंडियन, वन ऑफ द डेंजरस पार्ट ऑफ इंडिया इज इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो हम लोग कैसे उसको छोड़ के जाए, कॉर्पोरेट वाल को कैसे? क्योंकि हम लोग का ब्याह शादी में मम्मी लोग, दादी लोग, ग्रैंडपा लोग, पापा लोग जो करता है वो बढ़िया करता है ना, क्योंकि संबंध से होता है, वो प्यार से होता है, ऑर्डर से नहीं होता है। ऑर्डर करता है वो लोग, है तू इधर आ, वो प्यार की ऑर्डर है, तो उसमें रखने का कोशिश करिए। कम से कम आप लोग तो मत बदलिए, आप लोग बदलने का कोशिश मत दीजिए। आप लोग एडुकेटेड है, यहाँ पे आकांक्षा MBA किया है, पूनम अभी आप तो मास्टर कर रहा है ना, आप मास्टर कर रहा है ना, पंखुड़ी, पंखुड़ी नहीं, नहीं। कोमल, कोमल, कोमल मास्टर कर रहा है ना सर। मैं कंप्लीट कर ली हूँ सर। बढ़िया है, आपको अभी भी बहुत बच्ची जैसा लगता है।
जी अब लाखी है, बहुत बच्ची जैसा लगता है, लगता है कि 18-19 साल की बच्ची है लगता है ना कुमल को देखने में? हाँ सर, लाखी है, लाखी है, अच्छा है। और पंखुड़ी आप मास्टर डिग्री कर रहा है? नो सर, बैचलर की है, बैचलर कंप्लीट। अच्छा, तो ये जो परंपरा कानपुर, और कौन कौन है यहाँ पे? पंखुड़ी से श्री फ्रॉम कानपुर। हाँ पंखुड़ी, नमस्कार। और सर नेहा अग्रवाल फ्रॉम हैदराबाद। नेहा, हमने जो बोला सही बोला नेहा, चल रहा है ना हैदराबाद में बहुत? मैं कल सुन रहा था, मैंने सुन, when I was listening the Hyderabad, all of corporate rules and regulation, I was saying, wow, 10 to 15 years ago in India, what done, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी आता है ना आपको? Yes, sir. 10 से 15 साल पहले लंदन में जो हो गया है, वो जो मेरा वाइफ बिजनेस साइकोलॉजी से, वो लोग कैसे दबाव डालता है गरीब के ऊपर अत्याचार शोषण करने के लिए। गरीब उरीब कुछ नहीं है आजकल के जमाना में, मेहनत जो करता है उसका ही है, जिसका दिमाग है उसका है, जिसका दिल है उसका ही है ना? किसी को हम ठकेगा नहीं, खुद को भी ठगने नहीं दूंगा, वो अच्छा चाल है। तो उसमें क्या हो रहा है अभी, गोरे का टेक्निक क्या है, कैसे किसको नंबर बनाने का, यानी अकाउंट की नंबर बनाने का, कैसे बनाने का, जैसे भी हो, तुमको हम ये दिया हो कि तुमको जनरल मैनेजर की पोस्ट दिया है, तुमको दिया है कि 1 करोड़ की प्लान करने का, जैसे भी हो, और 1 करोड़ के ऊपर तुम 50 लाख कमा ले सकता है ना, उसमें से 25% तुम्हारा मिल जाएगा, ये है बोनस। तो एकदम जानवर की माफिक मेहनत कराता है, और वो लोग जानवर की, एक जन तो जानवर की माफिक मेहनत करता है, साथ साथ में हजारों लोग को बर्बाद कर देता है। हम लोग के एग्रीकल्चर की सिचुएशन देखो, है ना? आप लोग दबाव में मत जाइए, हमको मिनिस्टर भी नहीं बनने का, क्योंकि हर इंसान को जानने की इच्छा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है ना? तो जानना इतना इजी नहीं है, कोशिश करिए, दूसरे के बारे में तो बोल देगा तू ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हम कौन हो बोलना बहुत मुश्किल। प्रकाश भी बहुत बढ़िया है, अभी बोलिए कौन को किसने करने का? प्रकाश, प्रकाश, चलो भाई प्रकाश ही करते हैं, तो प्रकाश पे ही करते हैं। हाँ ठीक, प्रकाश में विकास ही हो जाएगा। चलो मेरा तो एक ही एंगल है, मेरा एक ही एंगल है, सूत्र उस दिन बोल रहा था ना, ओ, ओ, क्या नाम है उनका, वो भाई का, अच्छा है, क्या नाम है, मनीष, मनीष, मनीष बोल रहा था ना, जो 10 लाइन हम उनका हमको पसंद है, गाना भी, डांस भी है, आर्ट भी, नाटक भी, और बिजनेस भी, 10 ब्रांच में उसको काम करने की इच्छा है, लेकिन हमको पूछ रहा था कौन सा लो, तो हम बता नहीं सकता, हम जस्ट आइडिया दे रहा था उनको। देखिए जिंदगी में हर इंसान अलग अलग होता है, हमारा टेस्ट अलग है, आपकी टेस्ट अलग है, ठीक है? तो हम होते तो एक थाली में 10 सब्जियां डाल दू, उसमें से आपकी पसंद की एक सब्जियां हो गया, हा? तो आपको तो वही सब्जी पसंद आएगा ना, थोड़ा ज्यादा होता तो, वही बोल रहा था। तो एक चीज को ठीक से करिए, 10 चीज आपको निकलना बहुत इजी है, क्योंकि आपको पद्धति मालूम हो गया ना। तो इसीलिए हम जो प्रकाश को हम ऐसा करते हैं, हम लोग आप लोग से भी सुनना चाहता हूँ आज, क्योंकि अकेला अकेला बोल बच्चन नहीं करने का, क्योंकि प्रकाश क्या है, हमारा मतलब में प्रकाश क्या है, खुद को जानना, खुद की अंदर के अंगार, जो हम बोलना चाहता हो, कुछ समाज के लिए हम बोल नहीं पा रहा हो, हाँ पेरेंट्स के लिए बोल नहीं पा रहा हो, हाँ कुछ चीज करना चाहता हो, हम इंजीनियर होना चाहता हो, या डॉक्टर होना चाहता हो, या कलाकार होना चाहता हो, या जस्ट मैथमेटिक्स या फिजिक्स में हम जाना चाहता हो, या साहित्यकार होना चाहता हो, तो पप्पा या मम्मी ने बोला नहीं नहीं उसमें जाके क्या है, उसमें तो पैसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छा अच्छा करिए और उसमें साइन कर सकता है, क्योंकि उसमें दिलों की बढ़ता है, तो उस प्रकाश को हम विश्वास करता हो,
क्योंकि खुद की जो अभिव्यक्ति, खुद की जो फीलिंग्स है उसको हम कैसे कैसे आपको बताओ और खुद को बताओ एक्चुअली पहले तो खुद को हम क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज क्या मालूम है हमको लगता है उस चीज हम लोग बोल नहीं पाता है जो हम क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मालूम है हमको भी हम इंस्टेंटली क्यों रखा है मालूम है खुद के प्रकाश के लिए रखा है आप लोग के साथ भी बात करके बहुत सीखने को मिल रहा है खुद को भी सीखने को मिल रहा है आपकी लोग आप लोग के साथ बात करके ना जब काम उम करके ना जब हम रिकॉर्डिंग एडिटिंग करते हो ना कल एडिटिंग कर रहा था इसके बाद आज ही भेजा है सुबह तो एडिटिंग करने का टाइम ना हमको लगा कि 3 घंटा बैठा था एडिटिंग में क्योंकि ध्यान से सुन रहा था एक एक एरिया तो हमने बोला हम ऐसा भी है क्या हमको तो बोलना आता है हमको तो बोलना भी नहीं आता था डिसलेक्सी था हम तो एकदम जो लड़का माध्यमिक में 3 बार में पास किया सोच लो यार हा? पढ़ता ही नहीं था वो ऐसा बोल रहा है आजकल और जो लड़का किसी का बात नहीं सुनता है ये हमारा बात कर रहा हमारा प्रकाश की बारे में तो आप बोलिए पहले सर मैंने तो यहाँ प्रकाश मैंने ही टॉपिक दिया था सोचा था मेरे हिसाब से प्रकाश का मतलब खुद को पहचानने से हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हम जिस चीज को देखते हैं दोनों में प्रकाश होता है कौन सा प्रकाश या कौन सा वो हमारी स्थिति है जो हमको आगे बढ़ा सकती है जो हमारे प्रकाश का मतलब मैंने वही हम खुद को पहचाने आपकी जो बचपना जो था 8 साल की उम्र और 14 साल की उम्र में जो आप प्रकाश हो रहा था हा? जो आपकी ज्ञान सब बोलने का जरूरी नहीं है जितना बोलने का इतना ही बोलिए हम लोग सबके सामने बात कर रहा हूँ तो उसमें से कोई अध्याय आप बोल सकता है नेगेटिव हम लोग बात नहीं करेगा यहाँ पे ओनली पॉजिटिव आपकी कोई yes. अच्छा एक कहानी बता सकता है उसमें से yes, मैं हमेशा से ना बहुत कंपटीशन करने वाली रही मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और हर इंसान का जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता करता है वो हमेशा आगे ही रहना चाहता है तो मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं आगे रहूं या तो फिर उस लाइन में ही ना रहूं मेरी थिंकिंग वही थी तो मैं 5वीं क्लास में थी 5th क्लास में बोर्ड एग्जाम थे और मैं और मेरी अच्छी फ्रेंड है बचपन दोनों की बहुत ज़्यादा घमासान वाला कॉम्पिटिशन होता था तो उसके आए 93% और मेरे आए 89% तो उसके बाद मुझे नहीं आया कि मैं 89 लाई हूँ मेरा भी काफ़ी अच्छा आया मैं ब्लॉक में 2nd आई हूँ मेरे दिमाग में ये नहीं आया मेरे दिमाग में तब आया कि वो मेरे से आगे क्यों हो मेरे से चीटिंग करके वो लिखी थी अब मेरे से आगे हो तब मेरे पर नाना थे उसके पैसे उनका डेथ हो गया वो मुझे बोले कि बेटा सुन ले हाँ कौन क्या करता है इससे मतलब नहीं होना चाहिए मतलब ये होना चाहिए कि हम क्या करते हैं हम अपने आप से कंपटीशन करें और हर बार अपने आप को अपने से बेहतर पाएं कंपटीशन खुद से होनी चाहिए दूसरे से कंपटीशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि दूसरा मेहनत करता है अच्छा मेहनत करता है सही करता है उससे मुझे एक जलन की भावना मुझ में थी मैं ये मानती हूँ मुझे एक जलन की भावना थी वो नहीं होनी चाहिए नहीं थोड़ा थोड़ा जलन भावना अच्छा है थोड़ा सा जलन ये कि हम उससे बेहतर हो और खुद से भी बेहतर हो पर ये जो जलन थी वो मेरे से आगे हो गई फिर खुद का दिमाग खराब कर लेना ये वाला चीज नहीं होना चाहिए तब पर नाना से ये सीख मिली कि कंपटीशन कर किसी हद तक करो जिसको अपने से बेहतर पा सको और तब से कंपटीशन में हूँ हमेशा से कंपटीशन करती हूँ लेकिन अब दूसरों से उतना कंपटीशन नहीं होता मैं खुद को अपने से बेहतर बनाने के बारे में सोचती नहीं सही बात है खुद के साथ कंपटीशन करना बहुत अच्छा है खुद के साथ कंपटीशन उसमें आप हार ही नहीं सकता है हम तो खुद के साथ कंपटीशन करते हैं जी सर हम खुद से करें तो ज्यादा बेहतर है एकदम एकदम लेकिन खुद को अपने से बेहतर पाने के लिए ही कोशिश करें बढ़िया बढ़िया कोमल आप बोलिए आपकी 8 साल से 14 साल की उम्र में जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें पॉजिटिव साइड हमको सुनने का
प्रकाश का मैं बोलूं तो मतलब मैं खुद में जो शिक्षा ग्रहण किए हैं आज तक, मैंने जितनी भी अच्छी चीजें सीखी उसको मैं दूसरों तक भी पहुंचाऊं, साथ ही साथ एक अच्छा व्यवहार रखूं सबसे, ताकि किसी को भी मेरे कारण कभी तकलीफ ना हो, किसी का भी मेरे कारण मन दुखे। और जो भी मैंने ज्ञान की चीजें सीखी हैं, अगर मैं पेंटिंग भी सीख रही हूँ तो उसको मैं दो तीन लोगों को सिखाऊं, साथ ही जो भी मैं अभी तक पढ़ाई किया है उसको भी मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, चाहे वो मेरे छोटे भाई बहन हो या फिर पड़ोसी हो उसके थ्रू। और मेरा जो 8 साल से 14 साल तक सर स्कूल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा बचपन से ही आदत है, क्लास में जब भी टीचर्स पढ़ाते थे और अगर मैं उनसे जाके सिलेबस पूछती थी तो उन्होंने बताते थे कि ये आ रहा है, तो मेरा ये कभी नहीं रहता था कि उसको मैं केवल अपने तक रखूँ, तो मैं जाके क्लास में बोर्ड में लिख देती थी और उससे सब लोग बहुत खुश हो जाते थे कि ये सारी चीजें शेयर करती है, तो सब लोगों को मिलता भी था, तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, याद करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे सारे स्टूडेंट्स के फेस में, मतलब मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे उनके फेस में एक स्माइल आती थी, तो मेरा कभी भी कॉम्पिटिशन मतलब रहता था, लेकिन वो ये रहता था कि मैं खुद पे वो करती थी कि सबके साथ को सबको लेके चलो, सबको बताऊं कि ये आ रहा है, उसको बोर्ड में सबको अच्छी लगती, मुझे यही लगता था मुझे, और सारे टीचर्स की बातें सुनना का, जी एक चीज अच्छा है कोमल उसमें टीचर्स का बात, आप जो लिख रहा था ना बोर्ड में, आपको डायरी हो रहा है मालूम है, मेमोरी डायरी बना रहे हैं आप, आपने टीचर से सुना है उसको लिख के आपको मोर खुद को एडुकेट कर रहा है, अच्छा है जी, जी सर, जी सर, सर और इसके साथ ही सबको, जी सर उसको सबको बताती थी, और वो नेचर स्कूल तक रहा सर, कॉलेज में भी यही हाल था, कुछ भी पता चलता था तो बताती थी, बट मैं हमेशा यही कोशिश करती कॉलेज में यही था। अच्छा 14 साल तक आपने बोला सर, सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कॉलेज में भी सर यही था कि ऐसा ही नेचर था, कभी भी अगर मेरा किसी से भी कभी मन होता है तो मैं उनको उसको फॉरगिव करने में, मतलब माफ करने में एक वो रखती हूँ, अगर किसी के थ्रू मैं पहले चाहती हूँ कि मेरे कारण किसी को ऐसा ना हो, और अगर मेरे से कोई पोलाइटली नहीं नेचर में बात किया या फिर कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं उसको माफ करने में किसी को भी, या फिर सबसे भी यही कहना चाहूंगी उसको भूल जाए और उसके लिए फिर अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स में। माफ करना सबसे बड़ा, जी सर यही पॉजिटिविटी मुझे लगा, माफ करना सबसे बड़ा धर्म है हर इंसान की, जो जी जी मैं भूल जाती हूँ सर, मैं माइंड पे नहीं रखती मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करके रखा। अच्छा है, आपके पापा हमें बहुत खुश होगा आपसे ना, आपकी हंसी भी बहुत अच्छा लगता है, आपकी हंसी देख के हमारा लगता है कि अच्छी जगह में आ गया है ना, कोमल जब हंसता है ना लगता है कि अच्छा जगह में वातावरण सही रहेगा। सही में आपकी हंसी बहुत मस्त है। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू कोमल, थैंक यू नेहा, आप लोग की अभी अभी ये आकांक्षा जी बोलिए। हाँ जी सर, तो मेरे हिसाब से लाइट मतलब डायरेक्शन, मतलब जब भी हम अगर अंधेरे रूम में भी होंगे तो वहाँ अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हमारी वहाँ पे एजुकेशन भी वेस्ट है और हमारा सब कुछ वेस्ट है, मतलब अगर हल्की सी भी हमें रोशनी दिखेगी तो हम वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक डार्क रूम में अगर हल्की सी रोशनी भी नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कभी कभी लाइफ में सबने फेस किया होगा कि हम सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन सडनली ऐसा कुछ होता है कि एक उम्मीद लगती है, नहीं अब कुछ है, कुछ तो बचा है कि हम कुछ कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग लाइट वही है। अच्छा है, और एक्चुअली उस दिन आप लोग का, हम लोग का जब मीटिंग खत्म होने का पहले आप लोग सभी बोल रहा था कि आपकी आप लोग की मम्मी को भी साथ में रखने का इच्छा है, बता रहा था ना उस दिन, मैंने ख्याल नहीं किया एक्चुअली, तो नमस्ते मम्मी, नमस्ते बोलो, नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम राधा विनोद शर्मा है मम्मी जी,
तो एक दिन मम्मी जी मम्मी जी लुक को रखता है एक दिन, क्योंकि हम लोग क्या करने का जो जेनरेशन गैप है ना वो सोचना चाहिए, वो बहुत सीरियस मामला है एक्चुअली, ये रियली सीरियस मामला है जो जेनरेशन गैप है ना। मैंने उस दिन बोला था ना मेरा भाई एज परिवेश में नहीं रह सकता है, मैं जो मेरा बेटी के साथ हूँ, मेरा वाइफ के साथ हूँ, मेरा बेटा के साथ हूँ, मेरा भाई तो पहले दरगाह दे देगा एकदम जगास। हमारा क्या है, हमको अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स लोग को थोड़ा अपडेट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन लोग को सिखाना नहीं चाहिए और तुम कौन है बोलेगा डायरेक्ट। तो इससे हम लोग को उन लोग की बात सुनने का, उन लोग के साथ बात करने का, इसमें आप लोग की अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग घर से ही शुरू करते हैं ना स्टार्टिंग, है ना, जो हम लोग ने छोटा सा घर बनाया है उसमें से शुरू करता है ना कैसे डेवलप करें जनरेशन गैप को। एक कुछ डेंजरस नहीं है, अभी अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। जो अभी जो हैदराबाद की बात कर रहा था ना आप लोग से, तो हैदराबाद में वो जनरेशन गैप को और तोड़ने वाला है, मार्केटिंग ये सब उसको तोड़ने नहीं दे, कैसे हम लोग घुस सकते हैं इसके अंदर। अरे यार बहुत कम है श्रीवास्तव, तो समुन्द्र की किनारे में बैठा है यार तू, तो यार लकी निकला यार। थैंक यू सर, लहर बन के आएंगे। क्या बात है यार, हम लोग भी मजा लूट रहा हूँ, चिंता मत करो, दिल पहुंच सकता है। अरदास जी आप बोलिए। सर प्रकाश का मतलब मैं समझती हूँ कि दर्शन कि मैं क्या हूँ, मतलब हमारे अंदर जो है वो, और जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने बचपन के एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरा नाम शारदा कमलेश है और हम लोग सर 5 भाई बहन हैं, उसमें से 4 बहनें हैं। और गांव में जब मैं पैदा हुई थी तो मुझसे पहले एक और बड़ी बहन है, और हमारे परिवार में सबको लड़का चाहिए था। तो पहले तो हमारी दीदी आई, उसके बाद तब तक तो ठीक है चला लिए उन लोग घर वाले, और दूसरी बार फिर अब मैं आ गई। तो हमारे मम्मी पापा को सब लोग बहुत ऐसा बोलते थे कि लड़की है इनके तो बस लड़की लड़की हो रहे हैं ऐसा करके कुछ, और फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं है हमारे पापा, पर हमारे पापा जो है वो उन्होंने हमेशा ऐसा कहा कि मेरे लिए लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। और मतलब उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मैं सिर्फ लड़की हूँ, मुझे कभी भी मतलब रुकना नहीं पड़ेगा और मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो सिर्फ बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और अभी तक ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई भी काम, जैसे कि जब मेरे गांव की जो कंडीशन है उसमें ऐसा है कि लड़कियां गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं या फिर बहुत कम। जी सर NTPC सीपत आप लोगों ने सुना होगा, इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर एक गांव है, कौन सा स्टेट है वो, छत्तीसगढ़ में है। जी 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 तो बिलासपुर के पास में है सर। हाँ बिलासपुर के पास है। जी 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 तो वहां पर ऐसा ही बहुत सारा फाउंडेशन लड़कियों के लिए है, बट सर मैंने शुरू से ही कबड्डी ज्वाइन किया, मैंने NCC किया, और मेरे घर में हमेशा मुझे फ्रीडम मिली। तो एक चीज, एक कॉन्फिडेंस मैंने बचपन से पाया अपने पापा की वजह से कि मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, लड़की हूँ इसलिए मैं रुकूंगी नहीं। और हमेशा से ऐसा है कि मैं मेरे गांव में मैं पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर बिलासपुर तक पढ़ने के लिए आई हूँ, और मुझे देखकर बहुत सारे लोग मतलब पापा से इंस्पायर होके कि अगर ये अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं। पापा मम्मी को रियली रियली हाथ जोड़ के नमस्कार है अपना देश में। जी जी तो एक प्रॉब्लम मुझे फेस मतलब मेरे सामने लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया बट मैंने नहीं किया, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर मेरे साथ है। और इसीलिए ना मैं एक ऐसा रखती हूँ अपने अंदर एक प्रकाश कि मैं क्या हूँ। जैसे कि आपने कहा ना कि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे या ये लोग क्या कहेंगे, तो सर मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि चाहे वो कोई भी मैटर हो, तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन हो मतलब
ये उस विषय के बारे में कोई और क्या सोचते हैं डजंट मैटर, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मैं क्या सोचती हूँ उस विषय में, तो मैं हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखती हूँ। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पॉन्टिनिटी जो होता है ना हर इंसान की, स्पॉन्टिनिटी रुक जाता है ऐसा करके बैठा, कोई स्पॉन्टिनिटी आ रहा ना ऐसा करके रुक देता है, ऐसा करके दबाई डाल देता है, तो इसमें क्या होता है निकलने तो चांस ही नहीं है, उसमें पूरा पूरा बचपना ही खत्म हो जाता है। जो मैंने बोला ना 8 से 13 साल या 14 साल लड़की की तो बहुत जरूरी उम्र है, लड़का की भी जो जरूरी उम्र है, लेकिन लड़की की सबसे ज्यादा जरूरी उम्र है 8 से 14 साल। 8 से 14 साल की जो बच्ची लड़की है उसको ऊपर इतना दबाव डालता है, मम्मी को जाके हेल्प करो, मैं पापा की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, बेटा को नहीं बोलेगा ना, और बोलेगा तेरा भाई ठीक से खा रहा है कि नहीं देखो ना, इसके बाद बोलेगा थोड़ा सा उम्र हो गया 13-14 साल के हार्मोन बढ़ रहा है, तो बच्ची है तो उसको बोला घूमटा लगा के जाओ, तो बच्ची में क्या असर पड़ेगा है ना, उसको फ्रीडम होने दो, तो उसमें फ्रीडम जितना होगा ना, ये नहीं कि उल्टा सीधा गाली मारो उल्टा सीधा बात करो, वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेटा को भी जरूरी नहीं है बेटी को भी, ये बोल रहा कि जो प्रकाश जो होता है ना और जो इतना नेचुरल होता है ना, कहीं का कोई बच्चे के 25 साल की बात होता है प्रकाश, कोई बच्ची का होता है 12 साल में हो जाता है 11 साल में, जैसे कि अन्ना की काम देखी हमने भेजा है, उसका काम इतना अच्छा है, वो मैंने नहीं सिखाया अनन्ना को, मैंने जस्ट 3 ही क्लास किया, 2.5 क्लास किया, उनकी मम्मी ने सिखाया अनन्ना को, मैं उसको क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि अनन्ना की मम्मी ने मेरा पास आया कि उसको हार्ट अटैक के लिए क्या सिखा सकता है, हमने बोला आपने एडुकेशन करके रखा है, जस्ट कुछ कुछ टेक्निकल सिखा सकता हूँ, कुछ कुछ नर्व की जो एरिया है ना उस जगह में थोड़ा सा दवाई मत डालिए, यहाँ पे आया है अनन्ना की मम्मी पूनम जी, सर जुड़ गई सर, अनन्या उनकी मदर जुड़ गई, हाँ पूनम जी सर नमस्ते, हमने सही बोला ना, सभी को नमस्ते, आपने जो किया है बेटी की जो ट्रेनिंग किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट 2.5 क्लास ही किया आपकी बेटी की, लेकिन तैयार तो आपने किया ना, हमको तैयारी सब कुछ मिल गया अनन्ना, तो अनन्ना को सिखाना एकदम मेरा लिए सिंपल है सर, ये आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, और जो है कहते ना कोई चीज ऐसे निर्जू पड़ी होती है उसमें प्राण डालने का काम आपने कर दिया, नहीं नहीं मम्मी जो तो वो, मम्मी की भाग में हम नहीं जा सकता, मम्मी आप बहुत ऊंचा दर्जा नहीं, लेकिन ये है कि मेरी बेटी तो चलिए काम कर ही रही थी, लेकिन उसकी पेंटिंग में प्राण कहाँ डालना है कैसे करना है वो डायरेक्शन बहुत जरूरी, आइडिया दिया लेकिन प्राण तो आपने दिशा, इतना प्रगतिशील बेटी बनाया ना आपने, अनन्ना की ग्रोथ अलग है, अनन्ना आप उसकी शैतानी देख रहे हैं मालूम है, अच्छा है पीछे से दिख रहा है, दिख रहा है इसकी, आप देखिए करने दीजिए, चलते चलते ए अनन्ना है, देखा ना अनन्ना को, अनन्ना आप आ जाओ दिखाओ, दिखाओ आ जाओ, छिप रही थी ये, छिप रही थी, अनन्ना दिखाओ बेटी दिखाओ, हाँ अनन्ना एकदम छोटा सा ब्यूटीफुल गाल है और बहुत बहुत ही समझता है, हम थोड़ा सा शब्द देता हूँ ना बुम 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 कर लेता है, क्या चमत्कार मिल गया मेरे को, एक्चुअली ये जो सेशन चल रहा है ना 5 अप्रैल से शुरू किया इंडिया में त्रिपुरा से, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मेरा पास कम से कम 10-12 बच्ची आया है, लेकिन सब अच्छी है, अनन्ना भी उससे एक नंबर के अच्छी है, थैंक यू सर, बहुत बेटा बेटी आया है, थैंक यू थैंक यू, हम अभी यही बोलूंगा अनन्ना आपको भी क्रेडिट है इसमें, आपके भी 80% क्रेडिट है, मम्मी का तो 90, मम्मी का थोड़ा ज्यादा है, 90% क्रेडिट है मम्मी का, आपका 80% क्रेडिट है, क्योंकि आप दिल से काम, हाँ
सर इतना शाही है और दिन भर धमाल मचाती, परेशान पूरे दिन हंगामा काटती है ये। और पूनम जी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। पूनम जी आप पूनम जी आपकी आठ से तेरह साल की थोड़ा बताइए, थोड़ा सा जो नहीं बता नहीं सकता है वो मत बताइए, हम लोग पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मुझे जो लगता है सर ये ऐसी जो है एज होती है जो कहते ना कि जिसमें आसमान असीमित होता है, जिसमें धरती असीमित होती है, कल्पना की उम्र होती है। तो मैंने चूंकि मैं बहुत काल्पनिक रही हूँ तो मैंने अपने बच्चों को ना इमेजिनेशन के टूल्स में हमेशा देती थी कि तुमको ये चीज कैसे इमेजिनेट करना है, कैसे इसको कल्पना में सोचो। आज मैं ये लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मम्मा आपकी कोई शैतानी मुझे आप बताओ अपने बचपन की, तो मैंने बताया कि मैं चंपक नंदन पढ़ती थी बचपन में, तो मैंने देखा कि पक्षी उड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं उड़ सकती हूँ। और उसके बाद 20 फीट की दीवार पे चढ़ के और मैं ऐसे ऐसे करके उड़ने कोशिश कर रही थी और पूरे घुटने उठने अपने मैंने तोड़ लिए। तो जो है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करती थी, एक्सपेरिमेंट करती थी और बार बार एक्सपेरिमेंट में फेल होती थी मैं, और फिर वो था मेरे अंदर। तो मैं इन लोगों को भी वही देती हूँ कि तुमको ऐसे करना है। इमेजिनेशन जबरदस्त होता है सर, जितनी उर्वर धरती ये उम्र की होती है किसी उम्र में आप नहीं पा सकते हैं। तो केवल हमें वो टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना है। आप जितने उनको द्वार खोलने के लिए बोलेंगे ना, जितने आप उनको छिद्र बताएंगे कि यहाँ से ये रंग निकल सकता है, तो वो रंग आपको निकाल देना है बस। उसके बाद बच्चा अपने आप से अपनी जिंदगी रंग लेगा, मेरा ये मानना है। और मैंने अपने तीनों बच्चों में ये चीज दिया सर। पूनम जी एक्चुअली डॉक्टरेट किया है, उन्होंने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हिंदी की कविता के ऊपर ना पूनम जी? हाँ, कविता पे काम किया है, जो है मैंने कहानी पे भी काम किया है। तो जो है क्योंकि वहाँ एमफिल और पीएचडी दोनों होती है, वहाँ डॉक्टरेट का मतलब होता है पूरा बड़ा सा प्रोजेक्ट करना, पहले एमफिल पास करना होता है उसके बाद पीएचडी होती है आपकी। पूनम जी अभी हम बोल रहा था कि हैदराबाद की यहाँ पे एक बहन है, उनका नाम है नेहा अग्रवाल, तो उनको भी बता रहा था कि काल में एक सेमिनार सुन नहीं रहा था, गलती से घुस गया था, तो मेरे को लगा कि सुनना चाहिए। तो क्या गलतियां हो रहा है, गलतियां इसी हो रहा है लंदन में जो 10 से 15 साल में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे देश को खा लेने का कच्चा, हाँ कैसे इंडस्ट्री को बना। और इसमें जैसे कि आप मेरे साथ काम करते हैं तो आपको मैंने बोला कि आप 1 करोड़ की बिजनेस लेके आने का, तो 1 करोड़ 50 लाख बिजनेस लेके आया तो हमको 1 करोड़ की बात जो 50 लाख है उसकी 25% हमको बोनस मिलेगा और हाँ। हमारा तनखा भी और बढ़ जाएगा। तो इस चर्चे में कितना फैमिली को तोड़ दिया है वो लोग ने। तो ये हमने बोला कि ये जो हम आजकल आज के जो प्रकाश आज की सब्जेक्ट मैटर है प्रकाश में हम कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे सब हाईली एडुकेटेड बच्ची लोग है, मेरा भाई और बहन, तो वो लोग को हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग देश के बाहर की स्टाइल मत लीजिए, कोशिश करिए, सुनिए लेकिन कोशिश करिए लेकिन उसको कैसे अपने जो परंपरा में बड़ा हुआ है उसको कैसे रखने का कोशिश करिए। हम लोग और ज्यादा टाइम नहीं लेता है, अभी हम लोग पेंटिंग थोड़ा करते हैं। ये कल बनाया इसने, पूरी रात जागी है सर, पागल लड़की पूरी रात। बढ़िया 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 बढ़िया, पूरा रात इसने, परसों रात भर ये जागी है और कल रात भर मुझे सोने नहीं दिया। बोलेगा क्यों 11 साल की बच्ची ने बनाया है? नहीं बोलेगा, बहुत सुंदर पेंटिंग ड्राइंग है। तो ये अभी कुछ करेगी और प्रकाश में मतलब इसका मेन चीज तो प्रकाश, अंदर का प्रकाश फूटना चाहिए, बाहर का प्रकाश तो फूटेगा क्योंकि उम्र तो ऐसी है जो प्रकाश फूटने का है, अब अंदर का फूटने की जरूरत है सर। वही हम बोल रहा था प्रकाश के बारे में। हम लोग बचपन से सोसाइटी, इसके बाद ईगो, इसके बाद
ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, इसमें से स्पॉन्टेनिटी खा जाता है। हाँ, आज तुम अपना काम करो, सबसे जरूरी है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लाइन में रहिए, लाइन में रहिए, ठीक है। ये मैं इसको दे रही हूँ सर, शाम अनन्या को। अनन्या आप भी ड्राइंग कर सकते हैं हम लोग के साथ। हाँ, ड्राइंग करो सर के साथ। अच्छा, आज हम लोग प्रकाश को लेके काम करता है। एक्चुअली हम एक भाई की बात सुनना चाहता हूँ। नेहा अग्रवाल, आपकी साउंड ठीक से आ रहा है? अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? अभी आ रहे हैं। मैंने प्रकाश से रिलेटेड कुछ लिखा है। क्या बात करूं उस प्रकाश की, ये तो जिंदगी है उस कश्मकश की। कितनी भी अंधेरी हो ये सारी दुनिया, बस जरूरी है एक छोटे से उम्मीद, मतलब प्रकाश की। कविता में देखो यार, अभी आप जान लो। वाओ, ग्रेट नेहा, बढ़िया है। और अच्छा, बढ़िया बोला। थैंक यू सर। क्या है ये, नेहा सब कविता ही लिखता है क्या? वहाँ पे भी और एक नेहा बहन है, वो भी बढ़िया कविता लिखता है। अच्छा नाम दिया भगवान ने, यानी आपकी मम्मी पापा ने। दोनों नेहा कविता लिखते हैं। और एक है अंशुल श्रीवास्तव भाई, समुद्र की आप लहरा खा रहे हैं, आपकी लहरा सुनना चाहते हैं, बोलिए आपकी बारी में। सर, मेरे हिसाब से प्रकाश का मतलब एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। प्रकाश यानी मेरे हिसाब से जब हम अंधेरे पे रहते हैं तो हमको जरूरत होती है ताकि हम कुछ काम कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। ऐसी हर एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, तो वो प्रकाश बन के सामने वाले के ऊपर झलकती है। अब जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं उसको कोई दूसरा आदमी जब देखता है तो वो उसकी क्वालिटी के बारे में सोचता है। तो हम हर किसी के अंदर एक प्रकाश होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक क्वालिटी होती है, तो वो सब के अंदर होनी चाहिए और उससे हमको सीखना चाहिए। सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से प्रकाश यानी पॉजिटिव एनर्जी जो हर एक इंसान के अंदर। सबसे अच्छा तो समुद्र के किनारे रहेगा ना, आपको आपको ज्यादा मजा आ रहा है ना, हमको जलन आ रहा है। ये जलन अच्छा है मतलब, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला, बढ़िया बोला। चलो हम आज एक काम करते हैं, प्रकाश के ऊपर एक पेंटिंग बनाते हैं। श्योर सर, अपने अपने ढंग से करिए, हम अपना ढंग से कर रहा हूँ। हम आज कलर में करेगा, प्रकाश थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में रहना नहीं चाहिए। हम काम करते करते ना सबके साथ बात करूंगा, आप लोग भी बात करिए। मेरे को तो समुंदर देखने को मिल गया ना, वहां से काम हो गया मेरा। पंखुड़ी जी, आपकी बारे में थोड़ा बोलिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन सिचुएशन सबके लिए अलग नहीं हो सकता है। नहीं, बढ़िया है, अलग है। बोले आपकी आपकी बोलिए, 13 साल 8 से 14 की उम्र में आपने कोई भी पॉजिटिव प्रकाश हुआ है जो आपको अभी बहुत मदद कर रहा है? आज के 14 साल की उम्र में हम लोग कई सारी चीजें करते हैं, मतलब काफी क्रिएटिव होते हैं, जो करना होता है वो करते हैं, तो इसमें डायरेक्शन और इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो हम लोग राइट वे में नहीं जाते। उस टाइम पे तो मेरे को तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिला है। बढ़िया, तो एक काम करते ना आज सब लोग, हम
अपने अपने प्रकाश का बारे में हम लोग पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कलर में हमारा तो आप लोग की बात सुन के, हमारा खुद की बचपना की बात सुन के, 8 से 13 साल हमारा राम बहुत धमाल था, चिंता मत करिए, बहुत धमाल था। इलेक्ट्रिक मारोगे ना, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लगेगा, शॉक लग जाएगा इस अठा में। yes, क्योंकि एक तो डिसलेक्सी था, मालूम नहीं था, कुछ मालूम नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, घर में भी पीटा है, टीचर आता है वो भी पेंसिल लगा के ऐसा करता था, हमको बहुत दर्द होता था, रो क्या सीजन हो गया था बॉडी, तो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस होता है वो डंडा लेके हमारा पीछे दौड़ता था, एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के। ये मेरा प्रकाश, तो एक सबसे प्रकाश अच्छा था। मेरा मम्मी ना मेरे को जोड़ के रखा था, उसमें से मेरे को तोड़ने नहीं दिया, उसमें से आस में जहाँ पे हो ना मम्मी के लिए, और जो आर्ट स्कूल में गया, और मैंने उस दिन भी बोला था ना मेरे को जो जो कलर है, बहुत डायलॉग मारता था, कलर चाहिए ये चाहिए, मालूम नहीं था कि घर में क्या है, तो आज की जो मैं जो बात बोलना आ रहा है ना, जो काम करना आ रहा है, मेरा मम्मी के लिए ये, यही मेरा प्रकाश है। मैं एक्चुअली 9 कलर लेके काम करूंगा, क्योंकि 9 रस से नबरस होता है, हर इंसान की नबरस अलग है, हम कलर जो हम जान के भी, नबरस जान के भी चूज नहीं किया, नेचुरली आ गया है कलर, तो ये कलर से हम एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम लैंडस्केप बनाऊंगा। प्रमोद, आपकी प्रकाश के बारे में कुछ बताया ना? जी सर, 8 से 14 साल ना सर। 8 से 14 साल लड़कों की थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि लड़का लोग को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देता है इंडिया में। हमने शुरू में बोला था, आप था कि नहीं, लड़की लोग जब होता है, क्योंकि हमारा साथ उनकी बात हो रहा था, क्या नाम है अपना, सरदा जी से बात हो रहा था, तो सरदा जी की बात सुन के हम एक सहमत हो, क्योंकि घर में जब कुछ भी काम होता है तो बेटा को बैठा के रखते हैं, तुम्हारे भाई को देखो सोया कि नहीं, तुम्हारे भाई को देखो पढ़ रहा है कि नहीं, तुम्हारे भाई को खाना दे के आओ, तो लड़की को 7 साल से मेहनत कराना पड़ता है ना। तो लड़का जब होता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, लड़का जब होता है 14-15 साल तक महाराजा है घर में, है ना, तो ये थोड़ा उम्र बढ़ा देता हो, लड़का लिखी बोलता हो 10 से 15। आपकी आप याद करिए 10 से 15 नेगेटिव मत बोलिए, पॉजिटिव है। उस समय वो प्रकाश से मेरे तात्पर्य है कि प्रकाश वो है जिसको हम, मतलब जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, एक अगर नई दिशा, अगर कोई अच्छी दिशा में जाना है आपको, तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रकाश के द्वारा मैंने, मतलब कि मेरे थिंक, मतलब आई थिंक कि मैंने ये चाहा कि मैं डालबन, मतलब एक विलेज, मतलब कि एक डालबन में रहता हूँ, बिलासपुर सिटी है, सिटी में, तो एक मोहल्ला है, हमारा ही मोहल्ला है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत अधिक बढ़ गई थी। वहाँ से मैं अपने मम्मी और पापा को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, उस एरिया से हमको पढ़ा लिखा कर अभी हमको इस एज में लेके आया है बहुत अच्छे तरीके से। और प्रकाश का महत्व ये कि हमको दिशा दिखा, पहले से दिशा मिल गया था कि आपको ये साइड में जाना है, कि आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए, तो हम अभी उसी लाइन में हैं, यही हमारा प्रकाश है। हमारी एक थिंक ये है कि अगर जहाँ पे दो लोग आपस में भिड़ते हैं, हमको उनको समझा कर सबको साथ लेकर चलना है, ये है मेरी एक थिंक। बढ़िया,
क्योंकि जमाना अभी चेंज हो रहा है प्रभु, चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। वो जो बड़ा बड़ा ढप्पा मारता था ना, ये कारण से वो फलन होगा, वो कारण से, वो पब्लिक को मालूम पड़ गया कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी हम लोग का पापा मम्मी जो सफेद कोई आ जाता ना इंडिया में, साहेब आया, साहेब बोलता है ना इसे, साहेब कुछ नहीं है बाबा, ज्ञान ही साहेब है ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं, सूट टाई से क्या करने का है ना जी। पब्लिक अभी काफी बुद्धिमान है पब्लिक, मैं येलू से कर रहा हूँ, ये मालूम नहीं है क्यों येलू से घिस रहा हो, इतना येलू यूज नहीं करता हो, लेकिन हो रहा है। प्रमोद बढ़िया लगा जी सर, थैंक यू। दय कहा गया है अपना दैत सर, बोलिए सर, आप आपकी आपकी प्रकाश के बारे में थोड़ा बोलिए यार। ये बोलूंगा कि सर पॉजिटिव का इम्पोर्टेंस हमें नेगेटिव से पता चलता है, जब आप दुखी होते हैं तभी खुशी का मतलब वो एहसास दिलाता है कि खुश होना। शुरू करने से एक चीज आपको पूछता हूँ। हाँ सर। आप कहाँ से? सर मैं भुवनेश्वर से हूँ, बट अभी फिलहाल मुंबई में हूँ। आपकी आपकी एडुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा पहले जानना चाहता हूँ। सर मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी किया है फिजिक्स में, और अभी एमएससी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। आपने फिजिक्स किया है? कॉन्वेंट स्कूल स्कूल में पढ़ा हूँ, लाइक सेंट जेवियर्स में पढ़ा था मैं तब तक। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय वगैरह में गया, लाइक सेंट्रल स्कूल जो था अपना, वो मैं आई थिंक क्लास सिक्स या क्लास सेवन में आई चेंज द स्कूल। फिर सर तभी ऐसा था कि लाइक तभी मेरा जो स्कूल लाइफ था वो इट वॉज मोस्टली क्लासेस, बिकॉज मेरी पढ़ाई में ठीक ही था, मतलब लाइक आई वॉज लाइक फर्स्ट समथिंग, बट थर्ड फोर्थ आ जाता था मैं। बट वही घर में बोलते थे कि अरे तो फर्स्ट क्यों नहीं आता है, पहले तो फर्स्ट आता था। बट फिर वही हुआ कि धीरे धीरे यू नो लाइक अल्टीमेटली रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें लाइक फोकस से होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को साइंस बहुत अच्छा लगता है, बट लाइक आर्ट भी मेरे को अच्छा लगता है। लाइक मैंने कभी ऐसे फॉर्मली ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया है, बट जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि मैंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स किया, वो अपना प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। तोड़ के इस फूल में लगाएगा तो कैसा स्मेल आएगा, ऐसा कुछ कर किया था आपने? सर बिल्कुल सर, लाइक सर एक्चुअली मेरे फादर भी साइंटिस्ट है, ही इज अ मेटियोरोलॉजिस्ट, वेदर साइंस में। तो वो बचपन से हम लाइक मेरा एक छोटा भाई भी है, ही इज इन ट्रिपल आईटी। सर बचपन से हम दोनों में वो है कि लाइक एक्सपेरिमेंटिंग करना वो है, लाइक हम लोग जब फॉर एग्जांपल लाइक सर एक 10 साल से जब छोटे थे, लाइक बहुत बच्चे थे तब, लाइक हम दो भाई साथ में नहाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा एक बड़ा टब हुआ करता था अपने घर में, तो उसमें पूरा पानी भर के रखते थे और ऐसा मतलब एक्ट करते थे कि हाँ हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं। हम लोग एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, हम लोग के पास नहीं था स्विमिंग पूल ऑफिस, बट हम लोग ऐसा उसमें ये करते थे। फिर और सर हमारे पास एक छोटा सा खिलौना था, उसको बोट जैसा बना दिया था हमने, तो उसमें फिर
बोर्ड के साथ साथ वो सेल्स और वो सब कैसे लगाना है वो सब हम सोचते थे। फिर देखते थे अरे कितना प्रेशर डालने पर वो डूबेगा। अभी भी चालू है? अभी तो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट चलता है ना, वो थोड़ा लैब्स वगैरह वो उसमें काम करते हैं। वो तो सब लोग कर सकता है क्योंकि वो नहीं थोड़ा पगला सा कुछ कुछ करता है कभी कभी। सर ऐसे कुछ दूसरे चीज ट्राई करता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मैं यू नो आउट ऑफ कम्फर्ट जोन जाके कुछ चीजें सीखना वो मैं ट्राई करता हूँ। ये मोस्टली लाइक आजकल अभी क्या हुआ कि बहुत टाइम उतना नहीं मिलता है तो अभी मैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर्स पे करता हूँ। नया सॉफ्टवेयर सीखना या कुछ नया मान लीजिए डिजिटल आर्ट है तो उसमें नया टेक्निक कुछ सीखना। मैं एक डिजिटल मेरा लाइव ड्राइंग का सेशन है यहाँ पे हर ट्यूजडे, अभी स्टॉप कर दिया क्योंकि कोरोना के लिए इकट्ठा हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसलिए। तो वहाँ पे दो तीन आर्टिस्ट है और डिजिटल में ऐसा लाइव ड्राइंग को उठाता है ना आपको लगेगा कि फोटोग्राफ है, बहुत पावरफुल है। आईपैड लेके काम करता है वो लोग। तो लाइक जो डिप्लोमा किया था मैंने लाइक फाइन आर्ट में उसमें हमें लाइक डिफरेंट आर्ट स्टाइल सीखने को मिला था। तो जो आप बोले ना कि फोटोग्राफी जैसा दिख रहा है तो लाइक इम्प्रेशनिज्म और हाइपर रियलिज्म मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था, बट मेरा लाइक मेरा आर्ट स्टाइल कभी भी उतना अच्छा तक पहुँचा नहीं, प्रोबेबली क्योंकि मैंने उतना टाइम नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली उसको सीखने में और धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है अपना, तो उतना टाइम देता तो शायद मैं भी शायद करता बट पता नहीं। बट वही है कि लाइक मेरे को बहुत अमन दिखी अगर मैं हाइपर रियलिज्म या इम्प्रेशनिज्म स्टाइल जो भी आर्ट्स है अपना वो अगर मैं कर पाऊँ तो वो बेहद खुशी की बात होगी मेरे लिए। लाइक एक फॉरेन यूरोपियन आर्टिस्ट जिन्होंने इटालियन आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये किया है, और जैसे आपको पता होगा साल्वाडोर डाली करके सरियलिज्म वाला आर्ट, वो भी मेरे को थोड़ा इंट्रिक लगता है कि अरे मतलब ऐसा सोच पाना। आपका बचपना ही सरियलिज्म है ना? हाँ सर। ऐसा इमेजिन कर पाने की लाइक बिल्कुल सर बिल्कुल। एंड जैसे अभी हम इमेजिनेशन की बात कर रहे थे तभी डॉक्टर पूनम बात कर रही थी, सर वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि लाइक तो बहुत लोग मतलब इमेजिन करना बहुत लोग के लिए मुश्किल होता है। इमेजिन तो चाहिए, विदाउट इमेजिन मेरे को भी मालूम नहीं है क्यों क्यों कर रहा है सर, मेरे को थोड़ा एक लाइटिंग के पीछे घूम रहा हूं। तो वही सर अपना सबकॉन्शियस माइंड है तो सर वो बहुत हेल्प करता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड करने के लिए भी हमारे कॉन्शियस माइंड का होना बेहद जरूरी है। सो वो बात तो है सर, एंड सबकॉन्शियस माइंड से ही अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा। लाइक हम अगर उसी से फॉर एग्जांपल लाइक मैं इमेजिन मेरा इमेजिनेशन लाइक फेयरली स्ट्रांग इसीलिए है कि जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आप अगर मेरे को कुछ चीज डिस्क्राइब करते हैं तो मैं डेफिनेटली उसको तुरंत इमेजिन करने लगता हूं। एक चीज उसको जोड़ दूं क्या? जी सर बिल्कुल, जस्ट मेरा फायदा हुआ इसीलिए आपको जोड़ रहा हूं। एक चीज आपने कॉन्शियस बोला ना, जी जी कॉन्शियस की साथ सबकॉन्शियस यूज करके देखा है आपने कभी? सर वही तो बता रहा हूँ, सबको इमेजिनेशन के लिए सबकॉन्शियस का होना बहुत जरूरी है तो वो फ्लो वरना नहीं आता है। लाइक हम कोई भी चीज आप देख के करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी का आर्ट देख के कॉपी कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि आई एम कॉन्शियसली डूइंग इट, लाइक उसने जो देखा है उसने जो किया है उसको देख के मैं कर रहा हूँ, बट अगर मैं सबकॉन्शियसली जाता हूँ तो दैट इज माई इमेजिनेशन फ्लो, मेरे एक्सपीरियंस का फ्लो है। तो अभी हम प्रकाश की बात कर रहे थे तो लाइक दैट फ्लो इज काइंड ऑफ द प्रकाश वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक वो जो सामने आना कि अपना एक्सपीरियंस जो भी अपना लाइफ में रहा है जितना भी लाइफ है, लाइक आप हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपके पास बहुत सारा नहीं है, उम्र से नहीं आता है। नहीं सर वो बात सही है, उम्र से नहीं होता है तो बट आपके पास जो मतलब आपके जीवन में जो बहुत सारे चीजें हुई हैं तो वो आपके एक्सपीरियंस को रिच बनाता है। सर आप समझे जो भी अभी नहीं मैं बता रहा हूँ सर कि इन जनरल कि रिच एक्सपीरियंस लाइक बहुत हेल्प करता है वो इमेजिनेशन के फ्लो में,
एंड जब वो फ्लो अच्छा हो तो आप काम भी कर रहा है क्या साथ में? सर अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। काम करते करते बात करिए, इसमें एनर्जी तो पावर और बढ़ जाएगा क्योंकि आप थॉट में बात कर रहा है, उसमें जो शब्द निकलता है ना, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, बाद में सुनिए। हम कल एडिटिंग कर रहा था ना, हमको लगा हमसे इतना भी बात बोलना आता है, तो मालूम नहीं था इतना बात बोलना आता है। अभी कलर तो नहीं है, देखता हूँ कुछ डिजिटल आर्ट ट्राई करता हूँ। हम ऐसा कलर यूज कर रहा हूँ, मालूम नहीं क्या हो रहा है, हो जाएगा। डर नाम का चीज तो नहीं है मेरे पास। अभी मैं सरदा जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप काम करते करते बात करिए सरदा जी, सरदा जी ठीक है जी। आपने काफी लाइफ में काफी छोटा मोटा संघर्ष किया है, आपकी साउंड से लगता है हर लोग यहाँ पे संघर्ष ही किया है, लेकिन आपकी साउंड से लगा काफी अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं ना? जी सर सही कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी? सर मैं अभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग, मैंने अभी एक भी एग्जाम क्रैक नहीं किया है, तो ये एक सबसे बड़ा संघर्ष जो मेरे सामने है। ये जो चिंता आ रहा है ना आपकी भावना में, जो चिंता आ रहा है ना जी, अभी भी नहीं किया वो करना चाहिए है, वही आपको कराएगा देखिए। अच्छा है, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है आप सरदा जी? सर मैं स्टेट पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने कोचिंग भी ली है, तो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रही हूँ सर मैं। कोचिंग कहाँ से? जी मैंने गुरुकुल एसएस से कोचिंग की है, बिलासपुर से ही। ब्रजेंद्र शुक्ला? जी ब्रजेंद्र शुक्ला सर। आप लोग की छत्तीसगढ़ काफी सेंसिटिव एरिया लगता है ना? बिल्कुल सर, बहुत सेंसिटिव है सर यहाँ पर, मतलब जो बड़े शहर हैं वैसा सर लोग अपने से मतलब नहीं रखते हैं, यहाँ पे कोई भी नया हो तो वो बिल्कुल अपनापन यहाँ पे महसूस करेगा ऐसा हमारा। मेरे को ऐसा लगा खैरागढ़ से थोड़ा खुशबू मिल गया, गाड़ी से रायपुर से खैरागढ़ जा रहा था कार में, तो हम वर्कशॉप कैंप के लिए गया था, आर्ट कैंप के लिए हमको बुलाया था, तो 4 दिन रहा था खैरागढ़ में, घूम नहीं सका है क्योंकि काम में व्यस्त था, क्योंकि एक बार कमिटमेंट लिया तो उसको कम्प्लीट ही करने का, तो थोड़ा सा जो वातावरण देखने को मिला ना बहुत ही अच्छा लगा। और जब रवि ने बोला कि कुछ रखिए, रवि तो बोला पहले तो बोला बच्चे लोग के साथ काम करने का, यानी चिल्ड्रन के साथ, मैं तो और खुश था, लेकिन मालूम नहीं ये भी अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये भी बढ़िया हुआ है। मेरे को तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, सही में तो मैंने बताया ना ये आकांक्षा आपको बताया ना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, ये बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट है। सक्सेसफुल होगा सर? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, पूरा विजन क्लियर है भाई, पूरा विजन क्लियर है। वो बोला ना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मैं दोनों यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ब्रिलियंट है, और अभी भी बोल रहा हूँ कि हो नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बोलिए जी। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि सबको माफ कर देना चाहिए और दूसरों की मतलब दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए ऐसा करके, तो सर कई बार ना मुझसे ये चीज नहीं हो पाता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि जो सही है बस वही सही है, और मुझे जो सही लगता है वो मैं अक्सर बोल दिया करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सामने वाले की बात गलत लग रही है, चुभ रही है, तो मैं उसे मन में ना रख के बोल के खत्म कर दूँ। हाँ, बोल देने का, ये अच्छी बात है, डरने का ही नहीं, उनको डरता नहीं है, क्योंकि अगर हम मन में रख लेते हैं ना तो फिर वो हमारे अंदर रह जाता है, कहीं बोल देते हैं तो मन से भी निकल जाता है। तो अभी आ रहा हो अपना
नेहा बेहरा जी से, नेहरा। तो नेहा एक कविता सुनाना है। लेकिन काम चालू रखना चाहिए है? कुछ भी हमको मत पूछिए, बहन लोग को पूछिए, बहन लोग जो बोला हम सही है। दिखा हुआ तो कुछ याद नहीं आ रहा, सोच के बोलूंगी। एकदम दिल से बोलिए। दयत एंड प्रमोद जी सर, लड़की लोग के ऊपर छोड़ देता है सब कुछ, बराबर ना? जी बिल्कुल। हम लोग का तकदीर अच्छा है, उन लोग का साथ जोड़ सका हो। यस यस, हम लोग का सही बात है। कॉमन सेंस धीरे धीरे लुप्त हो रहा है ना उम्र के साथ साथ, और कॉमन सेंस वापस आएगा। जी जी, विश्वास करिए। सर आप क्या बना रहे हैं? मालूम नहीं यार। मालूम नहीं, आप लोग की बात सुन के सब आ रहा है, अभी फॉर्म आ जाएगा। वाओ, लाइट ये वाटर सोलेबल है, हम ब्रास में भी कलाकारी करेगा। अच्छा लग रहा है सर। हमको मालूम नहीं है क्या हो रहा है सही में। लेकिन पेड़ जैसा लग रहा है थोड़ा, अभी आजकल पूरा साइक्लोन ज्यादा हो रहा है ना। मैंने बना लिया, एनर्जी का साइक्लोन हो रहा है। महेश भी आने वाला था, क्या हो गया? सर वो बिजी थे, मैंने उनको बोला था, तो सर वो कुछ काम था शायद। बोला बहुत गुस्से में, के लिए पूछा था ना सब मालूम है, लेकिन बोलिए कि बहुत गुस्से में, गुस्से हो गया। जी सर जी, एक्चुअली नहीं, ऐसे ही बोलने का। जी, बहुत माइंड में ले लिया। शारदा आप करेगा, आप करेगा, आप आपकी जो टेंशन दे रहा है ना वो आपको काम कराएगा। देखिए अच्छा है टेंशन देना, आपके अंदर जो प्रतिष्ठा है ना। आप कितना नंबर है बहन में से? सर मैं दूसरे नंबर की हूँ, बड़ी बहन की शादी हो गई है। सर आपके ऊपर ज्यादा है ना? जी सर बिल्कुल, बहुत प्रेशर है। ठीक है, आप सहन कर सकते हैं, आपके पास बात सुन के लगता है आप ताकत है आपके पास। सर बस इसी आशा में हूँ कि एक दिन बहुत अच्छा कुछ होगा। जरूर होगा, बिल्कुल जरूर होगा, हम तो गारंटी देता हूँ। सर इसने टेंशन तो ली है, हम तो गारंटी देता हूँ। आप सर इसने टेंशन ली है लेकिन पॉजिटिव वे में ली है। नहीं नहीं बढ़िया है, आप करेगा। यहाँ पे जितना लड़की लोग है ना काफी तेजधार है, हम लोग को पसंद है। बिल्कुल शारदा, आपकी बात सुन के लगा कि आप जीवन में जो भी चाहते हो आपको जरूर मिलेगा। संघर्ष जो है जीवन में हमेशा आगे करते रहना चाहिए, और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो जरूर होगा जो भी चाहोगे। ये कौन बोल रहा है? कोमल, कोमल पकड़ा, हमको मालूम था कोमल ही होगा। इतनी अच्छी बात कोमल दीदी बोल सकती है, सही है। एकदम एकदम, यहाँ में ना ग्रुप में ना कोमल को सबसे छोटी लगता है ना उम्र से। कोमल क्या राज है भाई, हमको भी बताओ। तुमको भी बताओ। वैसे मैं बड़ी हूँ शायद। हाँ वैसे बड़ी हूँ मैं। स्पीड छुपा के रखे थे। बराबर है, क्या 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 एक्सरसाइज रेगुलर करता है, ऐसा कुछ कारण तो नहीं है ना? ना ना सर, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं, आकांक्षा जानती है। डाइटिंग में थोड़ा खबर रखता है आप? जी नहीं सर, वो भी नहीं। मन की खुला किताब है ना? पता नहीं जी, मन की खुला किताब जी सर,
गुस्सा उस्सा आता है कभी? गुस्सा सर मेरा ऐसा है ना कि आता है तो तुरंत आता है, मतलब 5-10 मिनट के लिए मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद शांत हो जाता है, मतलब छोटा भाई बहन है कम टाइम के लिए आता है। सर मेरा एक छोटा भाई है। दादागिरी करते हैं जी? दादागिरी करते हैं तेरा सा भाई? तो करता ही होगा फिर तो। अच्छा यार, नया बोलिए सर। एक्चुअली मेरी अभी मीटिंग है एंड आई डोंट हैव कलर्स एंड ऑल, बट मैंने जो स्केच मतलब पेंसिल से बना लिया है। बढ़िया है। देख के बनाया क्या, दिल से बनाया? देख के बनाया। अभी से हम चाहता हो कुछ भी बनाए दिल से बनाए और फोटो से नहीं, फोटो से नहीं। ओके मैं टॉपिक को सोच के इमेजिनेशन में पेंटिंग नहीं कर पाती। हाँ पोयम तो किसी भी चीज को लिख दूंगी, पेंटिंग देख के ही होता है। पेंटिंग आज से ए ग्रुप में एक चीज याद रखिए, आज से विश्वास करिए हो सकता है जो मैं बोलूंगा, मैं बोला इसीलिए हो गया होएगा ऐसा नहीं है। आज से सब लोग एक शपथ रखिए एक चीज, हम लोग जो कर रहा है होएगा ही। जी सर। क्यों नहीं होएगा? ये जो आपने जो निर्णय किया ना शायद नहीं होगा, वो शायद नहीं होएगा मैं आपको काफी रुकेगा। हम कर सकते हैं आपके, हाँ हमने 30 साल किया है का अलग है, आपकी तरीका तो आप कर सकता है ना? बिल्कुल मैं ट्राई बिल्कुल करूंगी। तो नो मई को हमने रवि से ही बात हुआ था, रवि खैरागढ़ से लास्ट ईयर पास किया है गरमा गरम में, एम फाइन कंप्लीट किया पेंटिंग में, और कभी भी बैठो यू करके पेंटिंग ये कर सकता है। लेकिन आप लोग के पास एनर्जी बहुत थे, समझा ना? वो एनर्जी आप क्यों नहीं यूज करता है भाई? एकदम चकाचक होने का कोई जरूरी नहीं है, आपकी ताकत में जो हो सकता है पॉजिटिव। मैं एक कर रहा था धीरे धीरे, मेरे को मजा आ रहा है, अभी पौधे उधे निकल रहा है, मेरे को मालूम नहीं था। देखो एकदम नजदीक से दिखाता हूं मैं, फोटो खींचकर आपको नजदीक से दिखाता हूँ, फोटो में क्लियर होगा। क्या नहीं होगा भाई जिंदगी में? अच्छा अच्छा जाइए जाइए जाइए। ये निकल रहा है अभी मेरे से, दिखाई देता है? ये ग्रुप पे एक बार सेंड कीजिएगा ना मुझे कुछ, कंप्लीट होने से जरूर सेंड करूंगा जी बिल्कुल। तो ये निकल रहा है अभी धीरे धीरे, ये वाटर सोलेबल है। तो आप जाइए, आपकी मीटिंग है तो। हेलो सर। आज की काम ना एकदम बारीक हो रहा है, इंटरेस्टिंग। आकांक्षा कुछ कह रहे थे क्या? हेलो सर। हाँ आकांक्षा, कैंसा कुछ कह रहा है क्या सर? हाँ सर, ये मम्मी आई कुछ कह रही थी। सॉरी सर, कुछ काम आ गया था इसलिए हम चले गए थे, माइंड मत करिएगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, क्यों माइंड करूंगा, मम्मी 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 कुछ भी कर सकता है ग्रुप में। मम्मी कुछ भी कर सकता है ग्रुप में, मम्मी के लिए आप डांट भी सकता है, आपको मूड आ गया ना आप बोलता है क्या हो रहा है ऐसा, वो भी बोल सकता है, अच्छा भी होगा। तो मम्मी के लिए 100% यह है, डिस्काउंट है। नमस्ते आंटी जी। बहुत बहुत प्यार और बहुत 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 नमस्कार जी। मम आप लोग है इसीलिए हम लोग जिंदा है, सही में हम लोग चित्र बना रहा हूँ। मम्मी को बताया हम लोग प्रकाश के ऊपर काम करने नहीं, आपकी बहुत तारीफ करती है ना। नहीं नहीं, तारीफ की बहुत तारीफ करती है ना सर। हम लोग मैं चित्र सिखाता हूँ लेकिन चित्र के साथ हम लोग का परंपरा ना
धीरे 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 लुप्त हो रहा है, उसको उसको चित्र के साथ थोड़ा 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 मसला दे रहा हो, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा तो उन लोग को मजा नहीं आएगा कहानी के साथ, और खुद की कहानी भी थोड़ा बता दिया तो उसको लगेगा कि हाँ ये एकदम नॉन फिक्शन है, यानी असली घटना है। तो क्योंकि आजकल के बच्चे लोग अलग है, क्योंकि वो लोग मुद्दा जानने का पसंद है। आप बोलेगा ना शनिवार को मत निकलना अच्छा नहीं है, वो लोग सुनने वाला नहीं, शनिवार को क्यों नहीं निकलो, आपको बताने का है शनिवार को क्यों नहीं निकलो, तब को लगेगा कि हाँ शनिवार को निकलना नहीं चाहिए। हम लोग बोलता है ना सम शनि पूर्व हानि, वो लोग मानेगा नहीं, बोला सम शनि क्या पूर्व हानि है, और पुराना दिन चला गया। थैंक यू जी, हम लोग चित्र बना के आप लोग को दिखाऊंगा सर। हाँ सर, मम्मी सर पूरे चित्र दिखाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ शारदा दीदी की स्टोरी से इंस्पायर होकर कुछ लिखी हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। अरे बिल्कुल लिखिए बोलिए। फर्स्ट होता है कुछ शब्द तो सॉरी आगे से कुछ ऐसे ही लिखती हूँ। आप लिखिए, ये बहुत बड़ी बात है। सुना रही हूँ। कल कल करती ये लहरें इनमें ही बह जाना है मुझे, सर सर करती पवने इनमें ही मिल जाना है मुझे, पक्षियों की चहचहाट के साथ ही मिल जाना है मुझे, ऊंचाइयों को छूते मेघों तक पहुंच जाना है मुझे, पर काश काश ये बंदिशें ना होती, रंगों वाली इस दुनिया में इतनी रंजिशें ना होती, और काश ये काश ना होता, केवल मन में विश्वास और सामने खुला आकाश होता। क्या बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया नेहा। अपना नेहा छोटा सा है लेकिन एटम बम में इमोशन में इतना छोटा पैक बड़ा धमाका। एकदम एकदम नेहा, नेहा की जो इमोशन है ना इतना ताकत है ना, वो पोर्टर देख के मैं एकदम, ये तो अलग है यार। मैं उसको उसको बुक पे करी उसको और जागरण करो और बढ़ाओ। जी सर। कोमल आपकी जो कलर सेंस है ना जी बहुत बढ़िया है, उसको आगे बढ़ाए। कलर सेंस यस जी सर। आपके अलग से तरीका है, आप बताता नहीं, आप बहुत चुपचाप है, हमको मालूम है। आप आप सबकी आपकी काफी सहेली होगा 20-25 ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक्का दुक्का को थोड़ा थोड़ा बताया, सबको नहीं बताया। हाँ सर, मैं सबसे वैसे नहीं रहती, बहुत ही कम लोगों से फ्री रहती हूँ, मतलब एक दो फ्रेंड्स है। आप भार्गव है क्या? तिवारी सर। आप कौन सा महीने में जन्म हुआ? मेरा दिसंबर। ओ सजिटेरियन। जी जी सर, आप बिलीव करते हैं क्या ये सब ज्योतिष वगैरह में? हम करते करते हैं। थैंक यू सर, कोई तो है। हम बिलीव करते हैं। मैं भी करती हूँ सर। हम ऐसा ऐसा बोल दूंगा आप चमक जाएगा। सर सर बताइए। बिल्कुल सर, मैं इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टेड हूँ सर। आपकी जो कलर जो है ना जी, उसको आगे रखिए, उसका बहुत कुछ कर सकते हैं आप जी सर। उसको एकेडमिक फॉर्म में मत जाइए, इवन इवन अपना आकांक्षा की बात भी कर रहा हूँ। आकांक्षा बन गया सर। प्रमोट को थोड़ा बड़ा कराए सर। मेरे अच्छे फ्रेंड्स में आकांक्षा भी है। प्रमोट थोड़ा पास में पत्ती तो देना यार, सूखा सूखा कर देता है यार। सर प्रकाश वाले नहीं है, प्रकाश इस साइड है, औसड़ अंधेरे वाला है। उसमें थोड़ा छोटा छोटा कर देना, छोटा छोटा लीव्स कर दे, मजा आ जाएगा सर। अंधेरा अंधेरा पत्ती ठीक है। ओके
और स्काई में थोड़ा काम करना प्रमोद। हाँ करेंगे सर। स्काई हल्का सा एकदम सफेद करके रख दिया यार जी। लेकिन मजा सा प्रकाश के ऊपर काम हो रहा है उसमें मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी खत्म करने का, जरूरी हो तो कल खत्म करिए लेकिन करिए। कोमल आपसे बात कर रहा था, सुना जा रहा है कुमार? जी सर सुनाई दे रहा है। सर बताइए। वही बोल रहा था जी। आपको आपको क्या होने की इच्छा है फ्यूचर में? फ्यूचर में सर मुझे एक तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो एक मैं इसको हॉबी की तरह लेती हूँ। मतलब अपने भाई को भी पढ़ाती थी साथ में, जब मैं खुद पढ़ती थी कॉलेज तो आसपास के जो नेबर्स के बच्चे जो है डाउट्स लेके आते थे, तब से शौक है। और कॉलेज में पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन देते वक्त भी ऐसा कई बार हुआ है, टॉपिक के कारण अच्छे से उसको लोगों को बच्चों को मतलब सबको समझ में आता था, फ्रेंड्स को। तो एक ये इंटरेस्ट उस टाइम से ही डेवलप हुआ कि इनको अच्छा लगता है, शायद इसको मैं कैरियर के फॉर्म में ले सकती हूँ। इसी कारण मैंने बीई के बाद कहीं टेक फील्ड में ना जाके एमटेक किया, ताकि उसके बाद में मैं प्रोफेसर वगैरह के लिए ट्राई कर सकती हूँ। फिर उसके बाद साथ ही साथ एक एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी चल रही थी, क्योंकि मुझे सोशल वर्किंग का भी थोड़ा शौक है, इसी कारण मैं एनजीओ से भी ऐड हुई। जरूर करिए, जितना सोशल वर्क करेगा ना जी खुद की ग्रोथ बढ़ेगा जी। तो उसी के थ्रू मैंने सोचा कि एक सोशल वर्क ठीक है, एक लेकिन अपने पैरों में खड़े होने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ जॉब भी जरूरी है। तो उसमें मैं दो कैरियर ऑप्शन रखी है, एक तो टीचिंग का और दूसरा ये सिविल सर्विसेज, या फिर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू किसी के थ्रू भी हो जाए। तो दोनों चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं किया था ये तैयारी के कारण, लेकिन अब शायद मैं करूंगी सर कुछ ज्वाइन, ये टीचिंग की फील्ड है प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज वगैरह आएंगी तो मैं जाऊंगी अभी। नहीं नहीं सही बात है, अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश करिए, आजकल के जमाना में करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए जी सर। वही अब पढ़े भी है सर इतना, तो उसका कुछ यूटिलाइज भी होना चाहिए उसका। एकदम एकदम एकदम, तो वही है इसीलिए सर, क्योंकि जब तक नौकरी या खुद की एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा ना जी, हॉबी के लिए इतना अच्छा नहीं है जी सर। हॉबी के लिए पढ़ाती थी, लेकिन सर एक प्रोफेशनल इसमें मतलब एक कुछ नाम एक प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके ज्यादा सही है सर। वही वेरी गुड वेरी गुड। आकांक्षा की बात भी कर रहा था मैंने, आकांक्षा की कलर भी बहुत बढ़िया है जी। जी सर बिल्कुल सर, मैं आप अच्छे फ्रेंड्स का नाम जी, आकांक्षा की गुड फ्रेंड है क्या? जी जी सर, वही मैं बोल रही थी, जो एक दो लोग है उसमें आकांक्षा भी एक है, उससे भी मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ। हम लोग क्लास में हैं सर, कॉलेज पे हैं साथ, एमबीए किया है उसने, मास्टर्स एक दूसरे को जानते हैं जी जी बिल्कुल, स्कूल में भी एक। आकांक्षा आपको दीदी क्यों बुलाता है? सर वो एक साल मेरे से जूनियर थी स्कूल में, और हुआ ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्वेल्थ के बाद मैंने AI ट्रिपल ई के लिए एक साल प्रिपरेशन के लिए वक्त लिया था, तो हम लोग फिर लेकिन कॉलेज में एक साथ आ गए, स्कूल में हम लोग जूनियर सीनियर थे। है ना कांशा दादी? नहीं नहीं एक चीज अच्छा है, आप लोग ने बहुत कम उम्र में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर दिया। मैं तो 28 साल में मैंने मेरा मास्टर डिग्री कम्प्लीट किया। बहुत मजेदार होगा लगता है आज की ड्राइंग, फूल पौधा जल बहुत आ रहा है। फूल पौधा ही ज्यादा हो रहा है आज,
मैं भी फूल पौधा जैसा ही कुछ बना रही हूँ। देखो ना क्या क्या हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कैसे कैसे आ गया। वाओ सर बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं इतना डिटेल्स कहाँ से आ गया। अच्छा लग रहा है, मालूम नहीं। आकांक्षा जी सर, कोमल को ना हॉस्पिटलिटी साइड में रखो यार, उसका हंसी ना बहुत मस्त है। है ना? हाँ जी सर। उस, क्या क्या बोलता है नया, क्या बोलता है हॉस्पिटलिटी, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन हम 6 महीने की बात यो करेगा ना, हम लोग कोमल को हॉस्पिटलिटी एरिया में रखेगा, कोमल सामने रहेगा ना, गुंदा बदमाश भी एकदम हंसी आ जाएगा एकदम। और हम लोग फंडिंग भी नहीं निकलेगा ना सर, मैं कॉमेडी देखती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी। देखा है क्या नाम है अपना इंडिया का कॉमेडियन है, क्या नाम है, कपिल शर्मा। हाँ हाँ हम मिस नहीं करता उसका। यस सर। हाँ सर बहुत कॉमेडी रहता है। कुमल आपको हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट आपको चलाना ही पड़ेगा, आपको किस किस को रखने का आप रखिए। है ना, अच्छा रहेगा बिल्कुल सर। आप कौन कौन लड़का लोग को भी रखने का आप ही डिसाइड करिए। लड़का मेरा ये बना। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कौन बनाया? वाओ बहुत सुंदर है, बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ताकत है ये लड़की लोग का, इतना ताकत है ना, इतना लड़की की बंगाली में बोलता है सतस्फूर्तता। सतस्फूर्तता मतलब उसको एकदम प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक्सपांड कर अंदर की बात एकदम। तो कभी कभी आपकी बात कभी को तीखा लगता होगा है ना आकांक्षा सर, तभी तो मैं जनरेशन गैप पर क्वेश्चन पूछी थी। कभी कभी प्यार भी होता होगा उन लोग को। हाँ सर, बेटी थोड़ा बड़ा हो गया उनको बात सुनना चाहिए। सर मेरा भी बन गया, दिखाओ। दिखाइए दिखाइए। ज्ञान सर, जो कि हमें किताब से प्राप्त होती है, गुरु से, माता पिता से और अच्छे दोस्त से, चार ज्ञान है। तो ये जी प्रकाश किताब मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्त होता है किताब, गुरु, माता पिता, अच्छे दोस्त, और ये मैंने किताब की ज्ञान की है। अभी एक काम करेगा आपको, चार जगह जो एरिया है आपने लिखा है उस लिखी के सामने एक एक कलर लगाया, और जो ज्ञान है सर एक और बनाया जी सर, ये एक और बनाया है। बढ़िया सर, और एक और मतलब बहुत सारे बना दिए। नहीं नहीं करिए 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 करिए, देखिए करेगा नहीं तो प्रकाश कैसे होगा, जितना काम करेगा करते करते सोचते रहेगा तो सोचते ही जाएगा, ढूंढते रहेगा तो ढूंढते ही रह जाएगा, काम करते करते सोचते और ढूंढते रहे तो उसमें मिलेगा ही ना हम क्या हो। मैं कौन सा कलर करूं इसमें? ये सबसे अच्छा लगा आपको, जैसा कि किताब में आपको किताब में क्या कलर दिखाई देता है थोड़ा इमेजिन करिए आग बंद करके, और गुरु में क्या किसको गुरु मानता है उसको इमेजिन करिए आग बंद करके, और माता पिता को। सर आप भी गुरु है सर। तो आप गुरु हैं। नहीं 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 मैं सीख रहा हूँ। जी सर ज्ञान दे रहे सर। इसमें मैं ग्रीन मिक्सअप कलर कर दूँ पूरा? आप पूरा दिल को बह दीजिए सही में। कोमल आपके पास जितना कलर है ना, विश्वास करिए आपके पास बहुत सारी कलर है, आप प्रकाश नहीं कर रहा है, एक चीज ही आपकी रुक गया, हम बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप किस कारण में रुक गया मालूम नहीं है, लेकिन एटम बम जैसे फोड़ दीजिए आज कलर की। बिल्कुल सर जी जी बिल्कुल सर। ओला ओला चार ओला चार किताब ओला जो किया ना आपने।
हाँ हाँ सर, उसको एटम बम जैसा फोड़िए कुंवल, उसको चारों चारों बाजू में किताब की चारों बाजू में भी कलर लेके आइए। जी जी सर, करेगा। और येलू को येलू मत देखिए, येलू को थोड़ा अलग येलू देखिए, ग्रीन को ग्रीन मत देखिए। सर इस टाइप से कर दूं, इस टाइप से कर दूं जो मिक्सअप है ये? नहीं नहीं, उसको ही तोड़िए, करिए मत, उसको ही तोड़िए। गब्बर सिंह ने एक बात बोला ना, जो डर गया वो मर गया। तुमने फिल्म देखा है? हाँ सर। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, बोलता है ना, डरने का ही नहीं जो हम कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में है, तो कभी कभी वो हिम्मत आती है या फिर नहीं हो पाएगा, तो उस समय सर क्या करना चाहिए? नहीं आया साउंड ठीक से। अच्छा, तो जैसे हम जिस चीज में भी भिड़े हुए हैं या तो तैयारी या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो पॉजिटिविटी आती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लो होने लगती है, फिर वो लो ले सबको दिखता है, तो उस टाइम खुद को कैसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ हमसे होगा और हमको पॉजिटिविटी अपनी बना के रखनी है? वो जो चिंता हो रहा है ना उसको रखिए, उसको छोड़ने का नहीं, जो डर गया या जो कंफ्यूज हो रहा है उसको रखिए, कंफ्यूज मत होने दीजिए, उसको रखिए। बोले कि हम आपको थोड़ा बाद में आपके साथ बात करूंगा, आप खुद के साथ खुद के बात करने का, और उससे थोड़ा हटके रहिए, बाजू में मत जाइए, उसके नजदीक मत जाइए, उसको लिए आपको गैप दीजिए, कम से कम एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ते भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। आपके दिल को बढ़ाइए, दिल को पूछते रहिए हम क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट में रह के करिए। वो जो हो गया उसको लेके नहीं, जो होने वाला है उसको लेके नहीं, जो हो रहा है उसको लेके, ठीक है? जी जी, आपकी खुद ही बताएगा आपको, लेकिन उसके साथ बंधे मत रहिए। जो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, जो आपको प्रैक्टिकली आप सक्षम नहीं हो रहा है ना, डरिए मत। आपने इतना उम्र में इतना कुछ कर सका, आपके पास तो कुछ नहीं है, कर सकता है। आप क्या थोड़ा प्रैक्टिकल है आप, बचपन से थोड़ा ना बराबर है जी, 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 आपके साथ बात में ठीक से बात करूंगा, ये एरिया आपको हम तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ूंगा मालूम है? अच्छे के लिए, तोड़ फोड़ नहीं, जस्ट तोड़। तो उसकी जो ईंधन है ना, उसकी जो एनर्जी है ना, आपको दबा रहा है, दबाव, आप खुद को दबाव डाल रहा है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है, खुद ही दबाव डाल रहा है। हम दूसरे को अंगुली करते हैं ना, आपके लिए ऐसा हुआ नहीं, खुद के लिए ऐसा हुआ, हम उसको स्पॉन्टेनिटीली हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में रहने का, प्रेजेंट में रहेगा तो क्या होगा, पास भी आपकी है, फ्यूचर भी आपकी है। जब पास हो जाता है ना, उसको तो हम काल क्यों चला गया, उसको तो वापस नहीं ले आ सकता हूं ना, कम से कम आज तो हम ले सकता हूं ना, इसका मतलब है प्रेजेंट में रहने का। आपको कितना मजा आता है देखिए, हम तो प्रेजेंट में रहता हूं इतना कुछ, मेरा अभी 55 उम्र है, मेरे को सीखने को मिला कब मालूम है, मेरा जब 40 से 45 के ऊपर में सीखने को मिला, 5 साल में, जब मैं पूरा डाउन में था, पूरा डाउन डाउन में था मालूम है, जो इंसान को करना नहीं चाहिए वही कर रहा था, है ना? तो उधर पे अटक नहीं गया मैं, उधर से निकल के अभी और पावरफुल लिया। आपने बताया ना उस दिन, मैं एक्चुअली ए लेवल में था, इंडियन आर्ट, इंडियन कंटेम्पोररी आर्ट लेवल में, तो धीरे धीरे डाउन होते होते इधर चला गया था, क्योंकि इधर से जो इधर आया था ना 28 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, वो काफी पावरफुल ले आया था मैं, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई था। आप लोग की उम्र अभी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, है ना? तो ये एनर्जी को आप इस्तेमाल करिए, तो बाद में क्या होगा, 35 से 40 तक इधर गिर गया था मैं, इधर सर। उस टाइम में आपके साथ कौन? जी सर,
उस टाइम में मेरा साथ मेरा दिल था, मेरा दिल था, दिल मरा नहीं था, जिसम पूरा फेल हो गया था, क्योंकि जो लीवर होता है ना 45 एंजाइम होता है ना, 45 एंजाइम ये नॉर्मल एंजाइम लीवर की, मेरा 95 एंजाइम हो गया था, मैं मरने वाला ही था। तो मैंने किसी की आज तक बचपन से किसी को दुखाया नहीं है, और मम्मी पापा के वरदान है, बहुत आशीर्वाद किया मम्मी पापा ने। तो क्या हुआ, एक इटालियन फ्रेंड है मेरा यहाँ पे, इटालियन फ्रेंड के साथ ऐसे एक बर्थडे पार्टी में गया था, तो वो बोल रहा था ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, मैंने बोला हम तो सब खाता हूँ, क्या मोटा पतला क्या होने, और ऐसे भी मरने वाला था क्योंकि ठीक से नहीं जा रहा था, सिस्टम ही बदल गया था, नींद ठीक से नहीं रहा था, खाना ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि लीवर की जो सेक्शन होता है ना वो एनर्जी लेवल होता है, लीवर हजम कराता है ना, तो उसमें क्या हो गया, तो उसने बोला मेरे साथ मेरा हम लोग के साथ एक प्रैक्टिस करो ना टाई ची करेगा, टाई ची यानी रिलैक्स मार्शल आर्ट, ब्रीडिंग टेंडन लिगामेंट को रिलैक्स करके फाइट सीखना और ब्रीडिंग सीखना, ये इंडिया से चोरी करके लेके गया चाइनीज लोग ने नॉर्थ चाइना में, लेकिन ये इतना लाभवान होता है ना, 100% ब्लड सर्कुलेशन करा देता है, क्योंकि 40 की बात 100% ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हर इंसान की जब 45 होता है ना इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बीमारी निकलता है, तो उस टाइम में मेरे 40 था, तो बीमारी निकल रहा था, आग ये होना, फंगल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, तो 5 साल मैंने टाई ची किया, उसके बाद और 2 साल, 7 साल में ना मैं एकदम पूरा सिस्टम ही बदल रहा, मैंने तो बोला मेडिटेशन तो मैं बचपन से करता हूँ, तो मेडिटेशन भी मेरे को जोड़ दिया, तो अभी यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ आना मालूम नहीं है कितना दिन लगेगा, आ जाऊंगा एक दिन सर, हम लोग को मेडिटेशन की क्लास दीजिएगा, जरूर 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 जरूर, ऐसा करो ना आप है हॉस्पिटल हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, आप बोलिए क्या करने का है, और आकांक्षा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बिल्कुल सर आकांक्षा को मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही रखेगा, और अपना जो नेहा है ना उसको फिलोसफी डिपार्टमेंट रखिए, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पंकुरी अपनी ड्राइंग दिखा रही है सर, हाँ पंकुरी जा रहा है क्या, पंकुरी जा रहा है, यस सर ड्राइंग दिखा रही है, हाँ बढ़िया है पंकुरी, वो जो वो जो यो बार्ड जो बनाया ना पिजन्स, पिजन्स की जो फेदर में ना थोड़ा कलरफुल कर दीजिए ना, मजा आ जाएगा, सफेद पिजन है लेकिन लाइट व्हाइट में, देखिए एक चीज दिखाता हूँ, हाँ थोड़ी सेल्फ पेंट वो डिजाइन है उस पे, हाँ 1 2 3 4 5 देख लीजिए ठीक से, आंख बंद कर लीजिए, क्या देखा आपने, वो डॉटेड डॉटेड बॉल्स थी, अच्छा और सर्कल्स थे, और अच्छा अभी आँख खुली है, हम आपको ना दोनों आँख को ना थोड़ा आधा करके देखिए, आई बोल को ना आधा दोनों आँख, जैसे कि मेरा छोटा है थोड़ा प्रॉब्लम है बताना, ये नॉर्मल है मेरा, ये एकदम आधा है मेरा, दिखाई नहीं देगा आप लोग को, लेकिन मेरा लिए आधा है मेरे को मजा आता है देखने में खुद को ही लगता है कि अंधा हो, तो आधा करिए आपको, ठीक है दोनों अभी देखिए, 1 2 3 4 5 बोलिए तो छोटे छोटे डॉट्स हैं, सर्किल है, और मतलब क्या और कुछ ऐसा नहीं समझ में, डॉट सर्कल जो है एक ही डॉट सर्कल है कि नहीं बहुत सारे हैं सर्कल,
नहीं बहुत सारे, लेकिन आप आपको एक बता रहा हूँ, ये जो डॉट 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 का सर्कल है, लाइन लाइन सर्कल है, वो आपने देखा है? हाँ। एक में लाइन वाला सर्कल है, एक में डॉट वाला सर्कल है, आपने ख्याल किया हो? हाँ, अंदर साइड में लाइन वाला है, बाहर डॉटेड है। पक्का ख्याल किया आपने ना? हाँ। लेकिन हमने जब लाइट लाइट बहुत छोटे डॉट्स हैं, फिर बड़े होते जा रहे हैं। हाँ बढ़िया। तो ये पहली बार आपने, हमने जब देखा है, ख्याल किया आपने? हाँ, नहीं पहली बार में नहीं। ये ये नंबर वन है। नंबर टू, अभी इसको कलर कुछ दिखाई देता है? यस सर। इसमें कुछ कलर दिखाई देता है सफेद में? व्हाइट। मैं कलर की बात कर रहा हूँ, व्हाइट तो है मालूम है, लाइट ग्रे, लाइट पिंक दिख रहा है मेरे को। और देखिए, और कलर देखना चाहता हूँ मैं आपकी आपकी आंखों से। तो लाइट पिंक। आपको आधा करिए और अच्छा, दोनों आपको आधा करिए। मेरे को तो ग्रीन ग्रीन भी दिखाई दे रहा है। तो नीचे की साइड में हल्का सा ब्लू शेड दिख रहा है, लाइट पर्पल भी दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, पिंक तो दिख रहा है, हल्का हल्का सा पिंकिश लुक आ रहा है। और दोनों आप ऐसा करिए, लेकिन लाइट पर्पल भी दिखाई दे रहा है मेरे को। नो सर। एंड येलो ऑकर की ना जस्ट लाइट एक टिंट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर। खड़ी मिट्टी होता है ना, वो हम लोग को पत्थर की मिट्टी मिलता है ना पहाड़ी एरिया में, वो उसको येलो आकर बोलता है ना, येलो आकर के एक टीन इधर पे है, देखिए। अच्छा, ये ओके, साइड साइड में थोड़ा येलो आकर की टीन है, वेरी लाइटली, और इधर पे भी थोड़ा थोड़ा पिंकिश येलो आकर है। ओके। और ये इधर पे थोड़ा ब्लू टोन है। हाँ, इधर नीचे साइड में ब्लू 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 हल्का सा है। हाँ, तो ये सफेद है, लेकिन हम कलर दिखाई देता है ना आपको। पंखुड़ी, अब एक काम करिए ना, वो जो आपने पिजन दिखाया ना, इसे क्यों दिखाया मालूम है आपको? है क्यों दिखाया, मतलब ये बनाने का रीजन? हाँ, तो मेरा सफेद जो शर्ट है ना, उसमें बहुत सारे कलर होगा, क्योंकि उधर सूरज की रोशनी आ रहा है ना, और वॉल की कलर है मेरा, इधर की कुछ कलर है, ये सब रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। एग्जैक्टली, हर चीज शीशे से नहीं होता है, बॉडी में भी लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है, बॉडी में भी आपको कलर दिखाई देगा बहुत सारे। ये ब्राउनिश येलो स्टोन से भी डिफरेंट डिफरेंट, देखिए हाथ में कितना कलर है, इसमें कितना कलर है, बहुत सारी कलर है, आपको आधा करके देखिए, आपको कलर दिखाई देगा। बराबर है? मैंने भी बना लिया। बढ़िया है, आपको आता हो अभी पंखड़ी, आपके पास आता हो, पंखड़ी से बात कर लेता हूँ। पंखड़ी जी, आपको मालूम पड़ा हमने क्या बोल रहा हो आपके? यस सर, वो लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा बर्ड में भी दिखना चाहिए, अलग अलग कलर का। हाँ, व्हाइट के अंदर, जो पिजन व्हाइट के अंदर आपको बहुत कुछ कलर आएगा, देखिए कैसे। हाँ बताइए, ये शारदा बताइए। शारदा, व्हाइट एरिया में कलर थोड़ा लगाइए, बहुत बढ़िया बनाया हमने। वाओ, हाँ, और स्काई में भी थोड़ा कलर आना चाहिए। मैं अभी उसको कलर से खेलेगा। सर, मैं उसमें कलर कर ली हूँ। जो भी कलर है करिए। हाँ, क्या क्या सर? ये कलर इसमें कर लिया है। नेहा का है? ठीक है, अभी ठीक है सर। नेहा को थोड़ा बड़ा करा है ना, बढ़िया है अंकुर। हाँ, जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो बाहर ही हो गया है। कौन रुक रहा है आपको? रुकने मत दीजिए, बाहर आ जाइए। अच्छा बना रहे हैं।
एक अंकुर ही नहीं, दो अंकुर है, दो 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 दबा हुआ है नेहा के अंदर। हमको जैसे भी हमको निकलने का, निकलिए, दिखाए हम सही है। और हम क्या करता मालूम है, येलू जो है ना, येलू को ऊपर अंकुर निकल जाता ना, अच्छा होता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ना आपने, ये ऊपर की येलू के कंपोजिशन कितना अच्छा होता मालूम है, आप क्या करता तो और अच्छा होता, हम बताता हूँ आपको, आपका अच्छा है, वो अच्छा है, तो बता रहा हूँ। जैसे कि ऐसा बनाया ना अंकुर, आपकी इसके अंदर रह गया ना, तो ऊपर पे येलो हो गया, इधर पे ग्रीन हो गया ना, है ना नेहा, दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिखा रहा, थोड़ा पास लगे ना सर, सर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है थोड़ा। ये दो भाग किया है हॉरिजॉन्टल में, एक में येलो भाग स्काई, एक में ग्राउंड लेवल की भाग। तो जो आपके अंकुर है ना, ये ग्राउंड लेवल के अंदर रह गया है, उसको हम होता तो क्या करता, येलो के ऊपर एक अंकुर निकल के आता था। तो इसमें क्या होता, इसमें दबाव डाल रहा है आपकी येलो से। देखिए एक बार देखिए आपकी ड्राइंग में, मालूम पड़ गया हम क्या बोलना चाहता हूँ नेहा? येलो की अंदर ही रह गया ना सब दोनों अंकुर, हा? हम एक अंकुर को थोड़ा सा ऊपर से होता ऐसा, तो येलू उधर आ जाता, येलू को काट देता, सिमेट्री काट देता, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, येलू के अंदर रहेगा ना, इसमें इसके साथ रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। देखिए देखिए एक बार करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा, अभी भी कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, नहीं तो और अंकुर डाल दीजिए उसमें। कर डाल दूंगी। मजा आएगा क्योंकि हम लोग जब कंपोजिशन, एक मिनट इधर गिर रहा है, मैं अभी कलर लगाना शुरू कर रहा हूँ इसको, नेहा आपको बताऊंगा ठीक से। यस सर। डेंजर जोन है यहाँ पे थोड़ा, सही है, वाटर सोल्युबल पेंसिल है। हाँ, आप लोग भी खरीद सकता है, ऑनलाइन में मिलेगा जी सर, ये इजी है डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या करता हूँ मैं, थोड़ा मजा आ जाता है हमको, हमको मालूम भी नहीं था ये आएगा, ये फॉर्म आ गया है, देखा जाता है ना आप लोग को, किसे फॉर्म निकल रहा है। हाँ सर। नेहा आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा था, ठीक है? यस सर। आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज ऊपर रहता है ना, तो आप लगता है कि आपके सिर के ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, मालूम पड़ेगा हम क्या बोलना चाहता हूँ, आपको बताऊंगा, ड्राइंग करके दिखाऊंगा, 2-3 मिनट लगेगा, सबको फायदा होगा इसमें। अनन्ना निकल गया क्या? हाँ सर, मैं उनकी मदर को बोल रही हूँ दोबारा ऐड होने के लिए शायद कुछ, क्योंकि अनन्ना का काम देखने का लायक है सर, मैं अपनी ड्राइंग भेजी है ग्रुप में। बहुत एनर्जी वाला लड़की है मालूम है, उसका मम्मी ने कैसे सहन करके उसको बड़ा किया, अनबिलीवेबल है। Thank you.
क्रिसमस में मेरे को भी मालूम नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन अच्छा ही होगा। हमेशा वो आइडिया रखिए कि अच्छा ही होगा, आपसे भाग नहीं सकता है। अच्छा होगा जब होएगा ना, दिल में दिमाग जो है ना इतना अच्छा नहीं है, इंसान के दिमाग हमेशा दबाव डालता है, शायद नहीं होगा, क्या हो जाएगा। हमको एक चीज दिखाई दे रहा है अभी, वो स्प्रिट हर किस में एनर्जी एक्सप्रीट होता है, मालूम है आप लोग को? Yes. जो स्प्रिट हर इंसान में है, जब तक हम लोग का अंदर जान है ना, एक इंसान के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियसली आप फील कर सकता है, तभी फील कर सकता है जब आप ऑनेस्ट बोल सकता है, ऑनेस्ट कर सकता है। जी सर, सही बोले, सेटिस्फेक्शन लगता है ऑनेस्टी। हाँ, क्योंकि डर नाम की चीज आ जाता है ना, वरी नाम की चीज आ जाता है ना, नहीं होता है सर। पंखुड़ी चला गया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेता, अभी आप लोग को भी देर हो गया होगा ना, क्योंकि हमारा कभी कभी याद नहीं रहता है। ये कौन सा कलर है? ढाई घंटे होने वाले हैं। मालूम है। तो इसीलिए कोई कोई रह सकता है क्या, क्योंकि ये तो पागल की ग्रुप में लगेगा उस लोग को। इसको अभी ऐसे ही छोड़ूंगा मैं, हाँ उसको ड्राई होने दो, उसके बाद फिर काम करने का है। एक्चुअली तो बहुत सारे काम होने वाले है, मैं फोटो खींच के आपको दिखाता हूँ, तो इसमें क्लियर नहीं होता है, दिखाता हूँ मैं। एक कंप्लीट नहीं हुआ है, एक इसमें बहुत सारी एनर्जी आने वाला है मेरा ख्याल में। फिलहाल तो ऐसा हो रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे काफी डायमेंशन आने वाला है सर। लीव्स ऐड करें क्या? हाँ, लीव्स ऐड करें क्या? पत्ते समझा नहीं सर, पत्ते ऐड कर रहे हैं क्या? उसमें लाइट टोन में डार्क टोन में कुछ पत्ता आने वाला है, फूल भी आने वाला है मेरा लगता है ऐसा। मालूम नहीं, मेरा पूरा यो के ऊपर छोड़ूंगा मैं उसको, एकेडमिक ढंग से नहीं जाऊंगा, क्योंकि एकेडमिक ढंग से काम करना पसंद नहीं है मेरे को। फ्री स्टाइल में काम करना पसंद है, क्योंकि फ्री स्टाइल में आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। जब एकेडमिक में जाएगा ना, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसमें नहीं जाऊंगा। कितना जन बचा है? 7 जन बचा है भाई। आप कौन सा पेंट यूज किए हैं? हाँ, वाटर पेंट कौन सा था सर? वाटर कलर? हाँ, वाटर कलर नहीं, वाटर कलर पेंसिल। ये आजकल मिलता है, बहुत सारी कलर है, नोई कलर यूज किया मैंने। हाँ, अभी एयर निकल के आ गया ना, उसमें क्या होगा? नहीं तो येलो से ना इतना प्रेशर दे रहा था ना अंकुर को, सबको लग रहा है येलो जो कलर है उसको प्रेशर दे रहा है, नहीं लगता है? जब येलो के अंदर आ गया ना, वो इसमें क्या हो गया, कंपोजिशन में मजा आ रहा है। एक तो इसमें एक कहानी भी आ रहा है, 3 अंकुर है, 2 अंकुर ऊपर से नहीं आ रहा है, मिट्टी से तो उठ गया लेकिन आसमान की तरफ नहीं जा रहा है, 1 अंकुर आसमान की तरफ जा रहा है। मालूम पड़ गया ना आपको? लग नहीं रहा है अभी? लग रहा है। एक कनेक्शन भी हो गया ना उसमें से। कहानी बन गई। नया आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है। चलो
आप लोग को सही लगा हम लोग का जो सब्जेक्ट मैटर के लेके काम किया, सही लगा? जी सर, बिल्कुल जी सर, क्योंकि हम पूछते रहता हूँ, हम डाउट नहीं करता, पूछता हूँ नेक्स्ट टाइम और अच्छा होना चाहिए ऐसा सोचता हूँ मैं, उस वो हमें हमेशा करता हूँ, एक पेंटिंग खत्म होता है ना, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर। चलो तो आज इधर पे ही समाप्ति घोषणा करते हैं। सर अभी दो लोगों की ड्राइंग बची है। आप बताए? ओ बताए बताए। किनकी? सर द्विति सर और अंशुल श्रीवास्तव। सर मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने ऐसे एक किनका है? अंशुल। वाओ बढ़िया बनाया है ये तो। अच्छा बना। कलर के भी कुत्ते के बगल में बिल्ली बैठे हैं। वाओ झूला भी बहुत अच्छा है, साथ साथ झूला भी अच्छा है। प्रमोद का है? नहीं अंशुल का। प्रमोद सर चले गए। सर अंशुल जो बीच के पास बैठे थे। हाँ सर समुंदर। तेरा काम ही दिखाई देता है समुंदर की। समुंदर नहीं बनाया सर वे मालूम है, लेकिन समुद्र की फ्रीडम तो आ रहा है ना दुलना में बैठ। हम लोग सोच लिए कि वो आसपास समुद्र के आसपास एक पेड़ है, उसमें झूला बना हुआ है, ऊपर में एक पक्षी भी है, एकदम उड़ भी सकता है। समुद्र का ऐसा बनाने का पर नहीं बन पाया। नहीं 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 वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांद है मुझे लगा वो चांद है ना सर। देखा ए, 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 लड़का और लड़की में फर्क, हमको नहीं दिखाई दे रहा था चांद। हम लोग लाकी है, बहन लोग आजू बाजू में है, हम लोग को डरने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम लोग को भी डरो मत, हम लोग भी आता है, हम लोग को भी। द्विति सर की ड्राइंग भी बची है। हाँ तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होकर ग्रुप पे छोड़ दो। अरे देखा ना क्या किया तुम यार। अरे सर मेरा ऐप क्रैश हो गया था, मैं अभी आकांक्षा को वही बता रहा था, तो वापस बना के दिखाता हूं। डुएट को भी ग्रुप में डाल दो। सर ग्रुप पे हूं सर मैं, लिंक है सर। आप काफी इंटरेस्टिंग है, डायमेंशन वाला इंसान है आप। सर एक बार देखिए जो आपने बताया था कि जो खाली जगह है उसको भरना है, मैंने सही किया है? दैट उनका ये वाला एरिया बस सर दिखने दे, सादा थोड़ा एंगल चेंज करो। ऐसा स्ट्रेट नहीं नहीं मेरा फोन एक्चुअली ऐसा है ना, बैक कैमरे से ऑन करते थे। वो स्ट्रेट था पहला वाला स्ट्रेट था। नहीं बैक कैमरा से लगा हुआ अच्छा दिखेगा, वो फ्रंट कैमरा ऐसा क्या, ये भी ठीक है। ठीक है मच्छी भी है पॉन्ड में। हाँ पक्षी भी हैं, और सर ये जो नीचे तालाब है उसमें मछली भी है मालूम है। लेकिन सरदा एक चीज एक थोड़ा सा आइडिया दू, जो सफेद एरिया जो आपने छोड़ के रखा है ना, अच्छा उसको थोड़ा एक बार इमेजिन करिए, इमेजिनेशन पावर जितना बढ़ेगा ना आपके एडुकेशन में भी अच्छा जाएगा, क्योंकि सफेद एरिया को आप कैसे तोड़ो कैसे निकलो। क्योंकि हम होता तो सफेद एरिया में क्या करता है? यस दिख रहा है, जैसे कि आपकी पेपर ऐसा था, ठीक है लंबा सा, एक कोन बनाया, एक पेड़ बनाया हाँ, और इधर पे क्लाउड बनाया, बराबर ना, यहाँ पे काफी सारी फूल है ना, तो ये जगह जो है हम क्या डायमेंशन करता है उसको, वहां पे और एक छोटा पोन बना लेता हूँ। मेरा होता तो आपको मेरा जैसा नहीं करने का बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा एक गांव की घर होता है ना, थोड़ा सा एक घर बना लेता हूँ, उसके बाजू में और एक छोटा सा घर। घर बनाया जा सकता है इसमें, और पेड़ कुछ भी पेड़, और छोटा सा पेड़। इमेजिनेशन कर रहा हूँ,
सोच लीजिए गांव में होता है ना तालाब छोटा सा घर में, तो उसमें क्या करूंगा मैं, इस एरिया में हम ऐसा एक रास्ता बना दूंगा। प्रस्पेक्टिव मालूम है, प्रस्पेक्टिव है कि ट्रेन की सामने कभी खड़ा है, ट्रेन की बोगी छोटा हो जाता है दूर तक। यहाँ पे किसी कोई इंसान जा रहा है या चल के जा रहा है कुछ भी, ठीक है, या हाथ में एक बैग या कुछ भी या छतरी या कुछ भी है, तो इसमें क्या होता है डायमेंशन निकल रहा है। तो इसमें क्या करूंगा, ये एरिया में घास दे दूंगा काफी सारी, तो यहाँ पे फूल आ रहा है बड़ा बड़ा है, तो इसमें क्या होता है एक कंपोजिशन हो जाता है। और पैर को इतना नजदीक में नहीं लेके इधर से लेके आऊंगा मैं, तो पैर को थोड़ा इधर से निकल दूंगा। तो यहाँ पे तो आपकी स्काई रह गया बराबर ना, स्काई रह गया, तो इसमें क्या होगा डायमेंशन होगा आपकी, बात समझा ना। और पैर को मैं क्या करूंगा, हर पैर एक जैसा, इमली के पैर अलग है, केरी की पैर अलग है, सोचो कि केरी की पैर है, थोड़ा सा टेक्सचर डालूंगा पैर में। तो जितना ही अपने इमेजिनेशन में जा सकता है ना आपकी पेंटिंग, इतना ही मजा आएगा। केरी की पैर की पत्ती थोड़ा लंबा लंबा होता है ना जी। हम इमेजिनेशन में जाऊंगा और ज्यादा, कितना अंदर घुस सकता है इमेजिनेशन, देखा है आपने। तो आपको मालूम पड़ गया ना, ये सिमिट्री में नहीं रखूंगा पैर की, इधर पे टोर के लेके आऊंगा इधर पे हाँ? तो ये होता तो क्या होता, ये होता तो आपकी और मजा आता ना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा दिखता, फिर पूरा एक मतलब अलग ही सीन बन जाता यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे जो पैर को आपने इधर लग गए, इसमें हवा इसमें से निकल दिया ना मैंने, इसमें हवा आ सकता है हाँ, तो दबाव में नहीं रहेगा। आज की जो चिंता है वो है दबाव की बाहर, प्रकाश है ना। ये होता तो कैसा होता शारदा, ये बढ़िया होता। हमने सुना, हमने आपको जो कहानी सुनाया ना, ये चित्र के माध्यम से है। हमारा मेरा आइडिया है कि जितना विजन को जितना क्रिएट कर सकता है, आपको अच्छा पेंटिंग करने से बुरा पेंटिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना तो फर्क पड़ेगा ना, आप विजन को और बढ़ा सकता है, विजन को और घुमा सकता है, दूर तक जा सकता है, दूर में क्या है हा? जी। आपकी थिंकिंग लेवल एनर्जी लेवल को और बढ़ाए। आपकी जो परीक्षा की बात कर रहा था ना जी। वो तो कुछ नहीं है, उससे आगे जा सकता है। अखान साहब मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, हो सकता है ना। बिल्कुल, जितना चिंता आइडिया जितना निकलते रहेगा ना, विजन जितना क्लियर होते रहेगा ना, कलर लाइन कंपोजिशन बढ़ते जाएगा। हयात ये सेशन अच्छा ही रहा होगा ना सर, बहुत बहुत बढ़िया रहा अच्छा है ना, ठीक है ना। ऐसा करो ना आकांक्षा जी, हाँ जी सर, 10 दिन में एक सेशन रखिए अभी से। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हम गीगाबाइट बहुत खाता है ना इसे। नहीं सर, आप सर अपना टाइम दे रहे सर, हम लोग के लिए वही काम। आपको मजा आ रहा है ना, हमको मजा आता है तो हम तो रहता हूँ। हमने खाना भी नहीं खाया अभी तक, 2 रोटी खाया सुबह, ये बोली 10-11 रोटी चाहिए हमको, 2 रोटी खाया। अच्छा, अभी कौन कौन है? प्रीति आप, अरे दयत आपकी काम खत्म नहीं हुआ? मैं पोस्ट करता हूँ बाद में। हाँ, कोमल फिर आ गया,
हाँ सर मैं यही हूँ, चार्ज कर रही, फिर चार्ज पे लगाया था सर। आपने सुना आप... सरदार जी से मैंने क्या बात को कर रहा था? जी सर जी। जितना आपकी विजन को बड़ा, इनर विजन को जितना बढ़ा सकता है ना, इतना ताकत बल होगा आपकी। सही बात है सर। सही बात ना, हमको जी, लगता जी। है ना हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार हा? हमको भी लगता है हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को बड़ा बड़ा भाषण दे रहा हो, लेकिन हमको भी कभी कभी डर लगता है, हम भी इंसान है, लेकिन हम डर की बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, सही बात है, सही बात है सर। वहाँ टाइम क्या हो रहा है अभी? अभी ये यहाँ पे हो रहा है आप लोग की, आप लोग की वहाँ टाइम बता, 10:07। हाँ सर, हमारा यहाँ 5:30 कुछ बचा है आप लोग की? 5 घंटे टाटा कुछ बचा है? हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट। आप भी आ गए, चलो बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय।